हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग को मेरी आवाज आ रही होगी। आज हमारा मशीन लर्निंग का डे नंबर वन है। हम लोग आज की जो क्लास है उससे स्टार्ट करने वाले हैं हमारा 30 डेज ऑफ मशीन लर्निंग। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, हम लोग 30 डेज ऑफ मशीन लर्निंग अपनी जो है आज की क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं और आज है हमारा डे नंबर वन। सबसे पहले मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए आप लोग को क्या मेरी आवाज आप लोग को क्लियर है, आप लोग मुझे ऑडिबल अच्छी तरीके से सुन पा रहे हैं। हम लोग विद इन 1 मिनट में अपनी क्लास जो है स्टार्ट करते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए सबसे पहले आप लोग को मेरी आवाज क्लियर है या नहीं है। ओके, ठीक है। देखिए, अब जो आज हमारा डे नंबर वन होने वाला है और पूरे के पूरे हमारी जो 30 डेज ऑफ मशीन लर्निंग की ये पूरी सीरीज चलने वाली है, उसमें आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से डे नंबर वन को डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग जो हमारी जो 30 डेज की जो पूरी कंप्लीट क्लास होने वाली है ना, उसमें आज की जो हमारी डे नंबर वन की जो क्लास है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम लोग किसी भी चीज को स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारी जो मशीन लर्निंग है, उस मशीन लर्निंग का पहले नंबर का डे नंबर वन का क्लास जो है हमारा पूरा फंडामेंटल फाउंडेशन क्लास। यदि आप बिगनर हो, आपको बिल्कुल भी नहीं पता है कि मशीन लर्निंग होता क्या है, केवल आपने नाम सुना हुआ है, तो भी ये क्लास आपके लिए काफी ज्यादा यहाँ पर बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि हम लोग ना पूरे बेसिक से एकदम फाउंडेशन क्लियर कर लेंगे, पूरे के पूरे मेथड को यहाँ पर अच्छी तरीके से सीखते जाएंगे धीरे धीरे, बेसिक बेसिक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के साथ। और उसके साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे मशीन लर्निंग में कैसे मशीन को लर्न कराना है, उसके एल्गोरिथम्स कैसे बनाना है, उसकी मॉडलिंग कैसे करना है, मशीन को ट्रेन कैसे करना है, और कैसे कैसे यहाँ पर मॉडल्स यूज करते हैं, कौन कौन से एल्गोरिथम्स हम लोग यहाँ पे जो ये यूज करते हैं, वो सारी चीज हम लोग यहाँ पर एक एक करके डे वाइज देखते रहेंगे। तो आज है हमारी डे नंबर वन की क्लास। आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे ये मैं सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूं। जो आज के हमारे टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक हम लोग यहां पर देखेंगे व्हाट इज द मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग होता क्या है, यहां से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी पूरी की पूरी क्लास को, ठीक है। अब हम लोग उसके बाद देखेंगे कि भाई मशीन लर्निंग की हिस्ट्री क्या है, मशीन लर्निंग आया कहाँ से, किस तरीके से हम लोग को मशीन लर्निंग में किस तरीके से चेंजेस आया और कैसे आगे चल के हम लोग मशीन लर्निंग में काम करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग के कई सारे डाउट्स होते हैं कि भाई मशीन लर्निंग क्या होता है, डीप लर्निंग क्या होता है, और एआई क्या होता है, एमएल जिसको हम लोग बोलते हैं मशीन लर्निंग, और डीप लर्निंग क्या होता है, और उसके बाद एआई क्या होता है, इन तीनों में क्या रिलेशन होते हैं, ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। इन तीनों में जो रिलेशन है ना वो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट और मशीन लर्निंग इंजीनियर, ये सब क्या क्या काम करते हैं, इन तीनों का डेटा साइंस से क्या रिलेशन होता है, ठीक है। ये सब चीज हम लोग यहाँ पर जो है कंप्लीट डिस्कस करेंगे। उसके बाद आज हम लोग अपने मशीन लर्निंग का पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो है हमारा टाइप ऑफ मशीन लर्निंग जो आप मेरे स्क्रीन पे यहाँ पे देख रहे हो। अब देखो मशीन लर्निंग जो होता है ना, उसके टोटल ना 4 तरह के टाइप्स होते हैं, जैसे सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, सेमी सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग और रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग। ये सारी चीजों को हम लोग कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे, और ये सारे जो टाइप्स है ना चारों, इसकी भी सब कैटेगरीज क्या होती है, इसको हम लोग कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज की हमारी क्लास एकदम बिगनर फ्रेंडली क्लास होने वाली है, और यहाँ पर मैं बता दूं कि हम लोग जो पूरे डे वाइज यहाँ पर ना पूरे के पूरे जो कंप्लीट सीरीज को देखेंगे, यहाँ पर 30 डेज ऑफ मशीन लर्निंग को देखेंगे, तो आज हम लोग यहाँ पर डे नंबर वन से स्टार्ट कर रहे हैं। मैं हर डे के अकॉर्डिंग आप लोग को यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड करूंगा, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे यहाँ देख रहे हैं, मैं आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, और उसके साथ ही साथ आप लोग को ये जो हमारा जो मेरा नोट्स है ये भी मैं आप लोग को यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा। मैं अपना नाम यहाँ पे बता दूं, निशांत मेरा नाम है, और आप लोग यहाँ पर कंप्लीट 30 डेज ऑफ मशीन लर्निंग मेरे साथ यहाँ पर आप पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस नोट्स को मैं आपका जो वीडियो है इसके साथ ही साथ हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, इस प्लेलिस्ट इस वीडियो के साथ साथ जब जहां पर भी आप ये वीडियो देख रहे होंगे, और यहाँ पर हम लोग पूरे के पूरे इस नोट्स को यहाँ पे फॉलो करते हुए जाएंगे, जिससे कि आपको कभी भी रिविजन करना हो तो भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप पूरे के पूरे यहाँ पे नोट्स को रेफरेंस करते हुए चल सकते हो। तो आप देख सकते हो ये डे नंबर वन का नोट्स है, जहां पर हम लोग AI मशीन लर्निंग DL में क्या डिफरेंस है, टाइप ऑफ मशीन लर्निंग, ये सारी चीजें हम लोग रियल टाइम एग्जाम्पल ग्राफ के साथ अच्छे तरीके से एग्जाम्पल के साथ पर देखते हुए चलेंगे। तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आपकी क्लास। ये सारे नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन का, यदि आप इस वीडियो को यूट्यूब वगैरह में देख रहे होंगे तो, क्योंकि ये खास मैंने आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बनाई हुई है जो आप लोग को हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन में प्रोवाइड हो जाएगी, और उसके साथ साथ आप लोगों के लिए जो हमारे स्टूडेंट्स कम्युनिटी है उसके यूट्यूब में भी ये जो हमारी सीरीज है आप लोग को मिल जाएगी।
तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हमारा डे नंबर वन। और हमारा जो पहला टॉपिक है वो है हमारा व्हाट इज मशीन लर्निंग। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि यदि आप डेटा साइंस के लिए मशीन लर्निंग पढ़ना मेरे डे नंबर वन से स्टार्ट कर रहे हो तो पहली बात यह आप भूल जाओ कि मशीन लर्निंग कोई टफ चीज है। हमें मशीन लर्निंग या कोई भी टॉपिक तब तक टफ लगता है जब तक हमें वो क्लियर नहीं होता है, वो समझ में नहीं आता है। जब आपको समझ आने लगेगा तो धीरे धीरे सारी चीजें जो है आपको यहाँ पर आसान लगने लगेगी। और आप यकीन मानिए पूरी की पूरी 30 डेज की क्लास आप लोग जब देख लेंगे तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं लगेगा कि मुझे मशीन लर्निंग जो है बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी हमारे बिगनर है जिनको केवल मशीन लर्निंग का नाम पता है उनके लिए यहाँ पर ये जो है हमारी कंप्लीट सीरीज होने वाली है बिगनर फ्रेंडली। तो चलिए हम लोग पहला टॉपिक डिस्कस करते हैं व्हाट इज मशीन लर्निंग। देखिए मशीन लर्निंग होता क्या है, हम लोग क्या करेंगे हर चीज को ना यहाँ पर नोट्स में ना एक प्रॉपर डेफिनेशन भी देखेंगे और डेफिनेशन के साथ साथ रियल टाइम आसान भाषा में समझते भी जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर ये डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन हमारी मशीन लर्निंग की क्या बोलती है। मशीन लर्निंग इज ए फील्ड ऑफ कंप्यूटर, यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर मैं हाइलाइटर लेते हुए चलता हूँ। मशीन लर्निंग इज ए फील्ड ऑफ ए कंप्यूटर साइंस दैट गिव्स कंप्यूटर टू एबिलिटी टू लर्न विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिट प्रोग्राम। हम लोग यहाँ पर किसी भी कंप्यूटर को एक एबिलिटी क्रिएट कर देते हैं कि विदाउट किसी प्रोग्राम के थ्रू वो जो है यहाँ पर उसे लर्न कर सके। बहुत आसान चीज है, हम लोग आगे चल के समझेंगे इसको। पहले एक बार डेफिनेशन हम लोग रीड कर लेते हैं। डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, इट इवॉल्व फ्रॉम टू द स्टडी ऑफ पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन एंड कंप्यूटेशन लर्निंग फ्रॉम थ्योरी इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आप लोग यहाँ पर ना कुछ चीज नोटिस करिए, यहाँ पर लिखा क्या हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है एक वर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यहाँ पर लिखा हुआ है एक वर्ड एबिलिटी टू लर्न। आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एबिलिटी टू लर्न, यहाँ पर लिखा हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसलिए मैंने कहा कि हम लोग हर चीज को डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। अभी मैं केवल और केवल आपको डेफिनेशन में कुछ की हाइलाइट्स वर्ड्स दिखा रहा हूं कि क्यों जरूरी है हमको ये सब चीजें जानना। फिर क्या लिखा हुआ है, मशीन लर्निंग फोकस ऑन द स्टडी ऑफ एल्गोरिथम्स, ठीक है, स्टडी ऑफ एल्गोरिथम्स दैट कैन लर्न फ्रॉम टू द डेटा एंड मेक प्रिडिक्शंस और डिसीजन बेस्ड ऑन मॉडल बिल्ट ऑफ द सैंपल इनपुट। देखिए क्या होता है कि हम लोग जो ह्यूमंस हैं, ठीक है, अभी तक जो हम लोग ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग कर रहे थे उस ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग कुछ है डेटा को इनपुट दे रहे थे और डेटा का यहाँ पे प्रोग्राम दे रहे थे और एक ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग से हम लोग आउटपुट चाह रहे थे। लेकिन ह्यूमंस जो होते हैं ना बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है। आज कितना भी मशीन लर्निंग आ जाए, कितना भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाए, AI आ जाए, उसको क्रिएट करने वाले, उसके साथ डील करने वाले हम लोग ह्यूमंस ही होंगे, ठीक है, जिसको हम लोगों को यहाँ पर ट्रेंड करना है, मशीन को लर्न कराना है, ठीक है। अब आपको ना ये चीज मैं ना बहुत आसान भाषा में समझाता हूं एक डायग्राम के थ्रू कि हम लोग अभी मशीन लर्निंग जो है ये जो डेफिनेशन है हमारी क्या हमें कह रही है, ठीक है। अब आप देखिएगा यहां पर ना हमारे पास ना दो ऑप्शन है, ठीक है, एक हमारे पास है ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग का, एक है हमारे पास जो है मशीन लर्निंग प्रोग्रामिंग का। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये है हमारी मान लीजिए ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग, ठीक है, जो अभी तक हम लोग करते आ रहे थे, और अब है हमारे पास यहाँ पे मशीन लर्निंग प्रोग्रामिंग। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारी ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग है उसमें हम लोग क्या करते थे, जैसे हमने को एक प्रोग्राम बनाना है 2+2 का, मेरे को एक प्रोग्राम बनाना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर दो चीज देता था इस प्रोग्राम को, मैं क्या देता था, एक मैं यहाँ पर देता था इनपुट, ठीक है, और यहाँ पर मैं दे देता था यहाँ पे प्रोग्राम। मैं एक प्रोग्राम लिखता था 2+2 को मेरे को ऐड करना है और मैं यहाँ पे चाहता था कि मेरे को यहाँ पे आउटपुट मिल जाए। लेकिन अब मशीन लर्निंग में क्या होता है, हम लोग मशीन लर्निंग में देते हैं पूरा के पूरा डेटा कि भाई हमें एक इनपुट दे दिए, और इनपुट देने के बाद ना ये आउटपुट भी हम लोग मशीन लर्निंग को बताते हैं। ये जो आउटपुट है ना ये मशीन लर्निंग को हम लोग बताते हैं कि भाई हम लोग आपको आउटपुट ही बता रहे हैं 2+2 पे 4 आना चाहिए, ठीक है, फिर 4 पे +2 करेंगे तो 6 आना चाहिए, फिर 6 पे +2 करेंगे तो 8 आना चाहिए। ये मेरा मान लीजिए प्रोग्राम है, ठीक है, तो मैंने आउटपुट रिजल्ट भी बता दिया किसको, मशीन लर्निंग प्रोग्रामिंग को, यहां पे मैंने इनपुट दे दिया। अब मैं चाहूंगा मशीन लर्निंग प्रोग्रामिंग जो है ना मुझे आउटपुट में क्या दे, मुझे एक प्रोग्राम बना के दे जो उस तरीके से काम करे। तो मैंने क्या किया, यहां पर एक मशीन को लर्न करने सिखा दिया, उसको मैंने ट्रेन करना स्टार्ट किया इस प्रोग्राम के थ्रू कि भाई आपके पास मैंने एक एक्सेल में डेटा दे दिया है, उस एक्सेल के थ्रू जो मैंने यहां पे आपको जो मशीन को लर्न कराया उसके थ्रू मुझे जो है एक यहां पे प्रोग्राम मिल पाए, मुझे एक यहां पे आउटपुट मिल पाए। यही यहां पर जो है डायग्राम जो है यहां पर मुझे शो कर रहा था, यहां पे जो मुझे डायग्राम शो कर रहा है वो यही चीज शो कर रहा है। आप देखिए यहां पर जो हमारा डायग्राम है ना वो हम लोग को यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग है, ठीक है, अभी तक जो हम लोग करते जा रहे थे, इस ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में डेटा का इनपुट आ रहा है, यहाँ पे एक प्रोग्राम आ रहा है और हमको एक नॉर्मल सा आउटपुट मिल जा रहा है। अभी जो डेटा है
ठीक है, इसमें मैं इनपुट तो दे ही रहा हूं, ये इनपुट मैं दे ही रहा हूं यहां पे, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, ये आउटपुट को भी यहां पे दे दे रहा हूं, और मैं मशीन लर्निंग को बोल रहा हूं कि भाई मुझे एक जो है यहां पर प्रोग्राम बना के दो। तो अब आप डेफिनेशन को पढ़िए, क्या बोलती डेफिनेशन, मशीन लर्निंग इज ए फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट गिव्स कंप्यूटर टू एबिलिटी टू लर्न विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिट प्रोग्राम्ड। हम लोग किसी और यहां पर कंप्यूटर को एबिलिटी क्रिएट कर देते हैं लर्न करने की, और उसमें क्या लिखा हुआ है यहां पे खास, इट इवॉल्व फ्रॉम द स्टडी और पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन एंड कंप्यूटराइजेशन लर्निंग थ्योरी इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है कि मैं मशीन लर्निंग जो है ना उसमें एक इंटेलिजेंस डाल देता हूं, अभी हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझेंगे, मैं एक इंटेलिजेंस डाल देता हूं कि वो जिस तरीके से मैंने उसे ट्रेंड किया है उसी तरीके से जो है मशीन है वो यहां पर काम करे। ठीक है, अब यहां पे क्या लिखा हुआ है, देखिए, मशीन लर्निंग फोकस ऑन द स्टडी ऑफ एल्गोरिथम दैट कैन लर्न फ्रॉम द डेटा एंड मेक प्रिडिक्शन। अब ये जो है ना डेटा, जो हम लोग डेटा दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं उसका, उसके अकॉर्डिंग ये जो है प्रिडिक्ट करता है, डिसीजन लेता है और मॉडल से एक तरीके से क्रिएट करता है, ये होता है हमारा मशीन लर्निंग। एक एग्जांपल से आप लोग को बताता हूं कि देखो जो हमारी मशीन लर्निंग है ना, हम लोग चेस का गेम खेलते थे पहले, ठीक है, यहां पर आप इस एग्जांपल से समझिए, हम लोग पहले ना चेस का गेम खेलते थे, ठीक है, और मशीन लर्निंग बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, मशीन लर्निंग जो है ना मतलब कह लें कि 2010 के बाद ही मशीन लर्निंग आया, हम लोग अभी आगे चल के हिस्ट्री देखेंगे, लेकिन पहले इस डायग्राम को समझिए आप। मुझे पता है कि चेस के गेम के अंदर ये जो मेरा एलिफेंट है वो इस तरीके से सीधा चलेगा यहां पे या फिर यहां पे सीधा चलेगा, मुझे पता है ये जो कैमल है वो इस तरीके से ही चलेगा, ठीक है, मुझे पता है यहां पर कि समथिंग ये हॉर्स जो है वो किस तरीके से मेरा जो है यहां पर नेक्स्ट मूव लेगा, ठीक है, ये सब चीजें मुझे पता है। मैंने ये क्या किया, एक प्रोग्राम बना दिया, मान लीजिए मैंने इफ एल्स में एक प्रोग्राम बना दिया ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग के अंदर कि भाई ये जो एलिफेंट है वो इस तरीके से चलेगा, जो राइट साइड लेफ्ट साइड चलेगा, ठीक है, जो मेरा कैमल है वो हमारा जो है डायगोनली चलेगा, ठीक है, ये सब चीजें मैंने प्रोग्राम में बता दिया। अब इस प्रोग्राम को मैं ना मल्टीपल टाइम जो है ना एक मशीन को लर्न करा देता हूं कि भाई ये इस तरीके से प्रोग्राम चलेगा। अब मैं इसको बोल रहा हूं कि भाई एल्गोरिथम भी आपको बनाना है। आप लोगों को याद होगा हम लोग पहले कंप्यूटर के साथ जो है गेम खेलते थे अपने मोबाइल के अंदर या हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, और हमारा जो कंप्यूटर है हमारे मूव के अकॉर्डिंग सामने से जो है अपना मूव करता था, ठीक है, ये टाइम है आज से 10 से 15 साल पहले का। तो उसमें भी जो काम कर रहा था ना वो क्या काम कर रहा था, मशीन लर्निंग ही काम कर रहा था, हमने मशीन को ही लर्न करवाया था, ठीक है। अब ये जो एल्गोरिथम है ना बहुत एडवांस होने लगा है, क्यों, क्योंकि अब हम लोग 2012 के बाद से 2015 के बाद से हमारे मोबाइल्स बड़े हैं, हमारी सोशल मीडियाज बड़ी है, और हमारे पास आया है बहुत ज्यादा मात्रा में क्या डेटा, और इतना ज्यादा जो डेटा हमारे पास आया है ना इस डेटा से हम लोग क्या कर रहे हैं अपने मशीन को लर्न करवाते जा रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही हमारी जो मशीन है वो इंटेलिजेंस होते जा रही है, जिसको हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, जो अभी हम लोग आगे चल के थोड़ी देर बाद जो है डिस्कस करेंगे। तो ये होती है हमारी मशीन लर्निंग। तो आपको यहां पर पहले एकदम घबराना नहीं है नाम के साथ, डेटा साइंस क्या है, मशीन लर्निंग क्या है, बहुत टफ है, ये बहुत आसान है, बस आपको आसान भाषा में समझते जाना है। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया कि हम लोग को मशीन को लर्न कराना है। पूरी की पूरी हमारी 30 डेज की जो हमारी सीरीज है क्लास है उसमें हम लोग ये चीज समझ चुके हैं कि भाई हमको जो है मशीन को लर्न कराना है। अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे जो हमारा सब टॉपिक है उस पे चलते हैं, भाई क्या होती है मशीन लर्निंग का हिस्ट्री क्या है। हमने मशीन लर्निंग को जान लिया, अब ये जानना है कि मशीन लर्निंग की हिस्ट्री क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको ना आसान भाषा में बता देता हूं कि आज जब मैं इसको आप लोग को डिलीवर कर रहा हूं लेक्चर, आज से कुछ साल पहले हम लोग बहुत ही कम सोशल मीडिया को यूज करते थे, आज से 7-8 ईयर्स पहले डेटा बहुत ज्यादा नहीं था हमारे पास, डेटा को हम लोग बहुत कम यूज करते थे, ठीक है। अब जो डेटा है, एक रिसर्च जो है ना हमारी रिसर्च ऐसी है कि हम लोग 2015-14 के बाद, एक्यूरेट मुझे शायद नंबर्स क्लियर नहीं है लेकिन मैं आप लोग सर्च कर सकते हैं, 2015-16 के पहले हम लोग जितना डेटा यूज किए थे ना उतना डेटा आज हम लोग आज की डेट में पर मंथ उतना डेटा या फिर पर ईयर समथिंग उतना जो डेटा है वो यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो रहा है, एक्सट्रैक्ट नंबर ऑफ ज्यादा टाइम में बहुत बार जो है हमारा डेटा यूज हो रहा है, हम लोग किसी की फोटोज को लाइक कर रहे हैं, हम लोग किसी प्रोडक्ट को परचेस कर रहे हैं, हमारी एक हिस्ट्री बन रही है, हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, और इतने सारा जो लेवल में जो डेटा आ रहा है ना उस डेटा से हमारे निकलते हैं क्या इनसाइट्स, ठीक है। और उस डेटा के पीछे हम लोग लगाते हैं साइंस, और साइंस डेटा साइंस ये बनता है, ये जो निकल के जो बनता है डेटा साइंस बनता है, और डेटा साइंस में हम लोग क्या यूज करते हैं,
सकते हैं मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और एआई के जो हमारे एल्गोरिथम्स है उसको हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी इस बात को घबराइए मत कि मशीन लर्निंग कोई नई चीज है। आज से 10-15 साल पहले जावा आया था, इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा जावा की जरूरत पड़ती थी, दैट्स वाई वहां पे बहुत ज्यादा हायरिंग होती थी जावा को रिलेटेड। आज मशीन लर्निंग की डेटा की इतनी ज्यादा अवेलेबिलिटी है, इतना ज्यादा यहाँ पे डिमांड है, दैट्स वाई यहाँ पर आपको मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर, एआई इंजीनियर, इन सारी पोस्ट पे आपको यहाँ पे मशीन लर्निंग हमेशा ही हेल्प करने वाली है। तो केयरफुली अच्छे तरीके से आप यहाँ पर देखते जाइए, हम लोग पूरे फाउंडेशन को क्लियर करते हुए चल रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं मशीन लर्निंग की टाइमलाइन क्या रही है, मशीन लर्निंग की जो हिस्ट्री हमारी वो क्या रही है, ठीक है। तो मशीन लर्निंग जो है मैंने पहले ही बता दिया काफी ज्यादा जो है यहाँ पे नया नहीं है, मशीन लर्निंग बहुत पहले से है, ठीक है। जैसे कि आप टाइमलाइन में यहाँ पे देख सकते हैं 1764 से लेके 2018 तक की यहाँ पे टाइमलाइन मैंने डाली हुई है। हम लोग बहुत ज्यादा इसके थ्योरी पार्ट में नहीं जाएंगे, इसलिए हम लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से टाइमलाइन को एक एक करके डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग बहुत ही ऊपरी लेवल में इस टाइमलाइन को डिस्कस करेंगे, हिस्ट्री क्या रही है इसको आप और अच्छे तरीके से जाके जो है खुद से आपको इंटरेस्ट होगा तो आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। तो देखिए लेकिन फिर भी हम लोग कुछ चीज देख लेते हैं, इसमें जो डेफिनेशन हमारी लिखी हुई है उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए पॉपुलर जो हमारा मशीन लर्निंग हुआ इन द लास्ट ईयर, मशीन लर्निंग इज ए नॉट ए न्यू टूल, यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है कि जो है नया टूल नहीं है, इट इज बीन अराउंड द सेंचुरी ऑफ द लेटेस्ट थ्योरेटिकल, ये जो है कई थ्योरी से चलता आ रहा है, बिकॉज हम लोग थॉमस बायस, बायस थ्योरम को आप लोगों ने 11th-12th में पढ़ा होगा, ठीक है। 18th सेंचुरी में हमारा जो है ये थ्योरम आया था, बायस थ्योरम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर स्टैटिक्स ऑफ द डेवलपर ऑफ अल्फा गो, ठीक है। ये देखो ये जो अल्फा गो गेम है ना, गूगल में एक डीप लर्निंग कंपनी है, अल्फा गो जो एक गेम है उसने ना फर्स्ट ह्यूमन को ना 2016 में हरा दिया था। ये वो गेम है अल्फा गो जो ना बहुत ही ज्यादा चेस से भी ज्यादा टफ होता है, ठीक है। और इसको हराना ना किसी भी ह्यूमन के लिए ना बहुत पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन गूगल की एक डीप लर्निंग कंपनी है उसने अल्फा गो गेम बनाया था और अल्फा गो गेम जो है वो उसने जो है यहाँ पर बीट किया था फर्स्ट ह्यूमन प्लेयर को 2016 में, ये टाइमलाइन में यहाँ पे बताया गया है। और बायस थ्योरम से हमारी जो है पूरी की पूरी मशीन लर्निंग चल रही है, क्योंकि जो मशीन को समझ में आता है वो क्या समझ में आता है, बाइनरी नंबर समझ में आते हैं, जीरो समझ में आता है, वन समझ में आता है। तो यहां पर क्या आता है, मैथमेटिकल यूजेस होते हैं, ठीक है। तो हम लोग उसी मैथमेटिक्स को, उसी स्टैटिक्स को यूज करते हुए ग्राफ क्रिएट करते हैं, मॉडल्स ट्रेन करते हैं और वही मॉडल्स जो है मशीन को हम लोग लर्न कराते हैं। तो यहां पर मशीन लर्निंग बहुत नई चीज नहीं है, मशीन लर्निंग की जो हिस्ट्री है कई सेंचुरी से चलती आ रही है, 18th सेंचुरी से चलती आ रही है ऑफिशियल, ये जो डेफिनेशन कहती है। और अभी जो लेटेस्ट यहां पर 2016 और 18 में जो हमारी जो गूगल है, जो हमारी जो डेटा जो हमारे पास गूगल में इतना ज्यादा जाता है उसको यूज करते हुए एक डीप लर्निंग नाम से एक जो कंपनी गूगल ने बनाई है उसमें अल्फा गो ने फर्स्ट, अल्फा गो जो है हमारी जो कंपनी है उसमें जो गो गेम होता है, ठीक है, एक गेम होता है जो चाइनीज एशियंट गेम है, चेस से भी ज्यादा टफ है, उस गेम के अंदर जो है ना एक ह्यूमन को हमारी मशीन ने जो है क्या किया है, हराया है, ठीक है। लेकिन उस मशीन को किसने बनाया, ह्यूमन ने बनाया। तो ऐसे बहुत सारे कमेंट्स भी आप लोग के आते हैं कि क्या ह्यूमन के जॉब चले जाएंगे या फिर चीजें हो जाएगी, नहीं, आप लोग को नई स्किल सीखते रहना पड़ेगा और आप लोग को यहाँ पे मशीन लर्निंग के साथ साथ अपनी जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसको भी यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ अपडेट करते रहना पड़ेगा, जो काम हम लोग अपनी इस कंप्लीट 30 डेज की प्लेलिस्ट में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने काफी ज्यादा चीज डिस्कस कर लिया है कि मशीन लर्निंग होती क्या है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। हिस्ट्री क्या रही है मशीन लर्निंग की, ये भी हमने देख लिया। अब हम लोग यहां पर देखेंगे मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और एआई में क्या डिफरेंस है, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है। और बहुत सारे कमेंट्स आप लोग के आते हैं कि मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और एआई में क्या डिफरेंस है, मैं एआई इंजीनियर बनूंगा तो क्या मुझे मशीन लर्निंग भी पढ़नी पड़ेगी, डेटा साइंस के अंदर सबसे ज्यादा आप लोग का कॉमन है कि डेटा साइंस के अंदर मशीन लर्निंग इंजीनियर का क्या काम होता है, एमएल और एआई पढ़ना पड़ता है, डेटा एनालिस्ट में क्या क्या चीज पढ़ना पड़ता है, तो ये सब चीज आपको क्लियर भी होती जाएगी पढ़ने के साथ साथ, ठीक है। तो हम लोग यहां पर जो चीजें देख ली है वो क्या देख लिए हैं कि मशीन लर्निंग होता क्या है, हिस्ट्री और टाइमलाइन क्या रही है मशीन लर्निंग की। अब हम लोग देखते हैं मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और एआई में तीनों में क्या डिफरेंस है। तो मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और एआई में तीनों में रिलेशन देखने से पहले मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि यहां तक जो मैंने आपको बताया वो आप लोगों को क्लियर हुआ या नहीं हुआ। हम लोग ओके ठीक है, देखिए मैंने बताया आपको वही कि मशीन लर्निंग, अच्छा एआई के बारे में जानना चाहते हैं, हाँ वही अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब आप समझिए यहां पर यही चीज अभी मैं अभी आप लोगों के लिए स्टार्ट करने वाला हूं, एआई क्या है, ठीक है। अब हम लोग ना
ये जो डेफिनेशन है, ठीक है, मुझे इस तरीके से कमेंट बॉक्स से बताते रहिए। अब देखिए ये जो एआई है इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, और उसके साथ ही साथ हम लोग मशीन लर्निंग, एआई और डीप लर्निंग तीनों में क्या डिफरेंस है इसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हुआ ना? यस यस, लिखते जाइए कमेंट बॉक्स में क्लियर हुआ तो मुझे भी पता चलता रहेगा कि आप लोग को क्लियर होते जा रहा है या नहीं होते जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाना है, चैट में जाके यस लिख दीजिए, मुझे भी यहाँ पर आइडिया होते रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, डेफिनेशन हम लोग सबसे पहले देखते हैं, तीनों का डिफरेंस क्या होता है देखेंगे और तीनों में रिलेशन क्या है देखेंगे। क्या लिखा हुआ है, एआई सिमुलेट ह्यूमन इंटेलिजेंस टू परफॉर्म टास्क एंड मेक डिसीजन। ये लाइन बहुत अच्छी लाइन है आपको एआई को समझने के लिए। ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहां पर, एआई सिमुलेट ह्यूमन इंटेलिजेंस टू परफॉर्म टास्क एंड मेक डिसीजन। हम लोग को ना यहाँ पर एक वर्ड में ध्यान देना होगा, वो है हमारा ह्यूमन इंटेलिजेंस। ठीक है, हम लोग को एआई को समझना है तो ह्यूमन इंटेलिजेंस को समझना काफी जरूरी है। इसको हम लोग से पहले ना जाकर डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, आप लोग को ये चीजें तो समझ में आई जाएगी कि एआई और डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग तीनों में क्या डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको ना एक अच्छी तरीके से समझाता हूँ। ये है मान लीजिए एक सर्कल, ठीक है, ये डायग्राम के थ्रू हम लोग समझते हैं। इस सर्कल के अंदर है दूसरा सर्कल, ठीक है, और इस सर्कल के अंदर है हमारा तीसरा सर्कल। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि ये जो पूरा सर्कल है ना वो है एआई, हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके अंदर एक सबसेट आता है जिसको हम लोग कहते हैं कैटेगरी, उसको कहते हैं हम लोग मशीन लर्निंग। और मशीन लर्निंग के अंदर एक और चीज आता है, वो है हमारा डीप लर्निंग। अब ये जो डीप लर्निंग है कुछ अलग सा चीज नहीं है, ठीक है, मशीन लर्निंग का एक सबसेट पार्ट है। अब ना इसको ना एकदम आप ना आसान भाषा में समझते जाइए, जिससे कि आपको आगे चल के बिल्कुल भी कभी भी ये टफ ना लगे। हमारे पास ना क्या होता है, जस्ट ए मिनट, मैं आप लोग को यहाँ पे समझाते हुए चलता हूं, है ना। हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है ह्यूमन इंटेलिजेंस, एआई का जो रेप्लिका जो वर्जन हम लोग कह लें। एक मिनट, मुझे ये डायग्राम अच्छी तरीके से यहाँ पे डिजाइन हो जाए, फिर हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। देखिए एक यहाँ पर, चलो मैं यहाँ पे एक सर्कल छोटा ही बना लेते हैं, इसके बराबर ही बनाना चाह रहा था जिससे कि आपको एक जैसे ही लगे। ये एआई है, ठीक है, ये जो है ना ये मेरा मान लीजिए ये है हमारा ह्यूमन इंटेलिजेंस। ठीक है, ह्यूमन इंटेलिजेंस के अंदर क्या क्या होते हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंस के अंदर में हमारा होता है ब्रेन, ठीक है, फिर ब्रेन के अंदर हमारा क्या होता है यहाँ पर इमोशंस। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो है ह्यूमन जो है काम करता है, ह्यूमन जो ब्रेन है वो एक तरीके से काम करता है। ठीक है, एक्चुअल में ना मैं एक काम करता हूँ आप लोगों को ना अच्छी तरीके से क्लियर करने के लिए ना, मैं एक बार डायग्राम अच्छी तरीके से यहाँ पे डिजाइन कर लेता हूँ। तो हम लोग ना इसको एक काम करते हैं, इरेज ही कर लेते हैं, इस डायग्राम को जाते हैं और इरेज कर लेते हैं, जिससे कि आप लोग को ये ना लगे कि एआई थोड़ा बड़ा सर्कल बन गया और इसका जो है थोड़ा छोटा सर्कल बन गया। मुझे दो मिनट दीजिए, मैं एक बार यहाँ पर आप लोग के लिए डायग्राम जो है ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया मेरा एक सर्कल, ठीक है, ये मेरा सर्कल कौन सा हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, और एक मेरा इसी के पैरेलल में एक और सर्कल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, जिससे कि आप लोग को अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में आ पाए जो मैं समझाना आप लोग को चाह रहा हूँ। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर एक एक करके हर चीज जो है देखते जाते हैं, है ना। मैं यहाँ पर ये जो सर्कल है मेरा एआई का सर्कल है, एआई के बाद मैं इसके अंदर मशीन लर्निंग का बना लिया सर्कल, और इसके बाद मैं यहाँ पर जो है डीप लर्निंग का सर्कल बना लिया। वैसे ही मैं यहाँ पर तीन सर्कल्स और बना लेता हूँ, ठीक है, और हम लोग इसको डिस्कस देखते हुए यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ब्लू कलर से बनना था, चलो कोई बात नहीं, और इसके अंदर एक और सर्कल बना लेते हैं। चलिए अब देखिए ये है मेरा एआई, ठीक है, इसको मैं बोलता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसी का एक सब पार्ट होता है, वो होता है हमारा मशीन लर्निंग, ये होता है हमारा डीप लर्निंग। ठीक है, ये हमारा मेन जो है डेफिनेशन हमारी यही चीज बोल रही है और यही काम जो है हमारा होता है। लेकिन ये आया कैसे, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ह्यूमन के पास, ह्यूमन के ब्रेन में कैसे आया। ह्यूमन के पास होता है इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है, इस ह्यूमन इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर, या फिर एचआई बोल सकते हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंस ही बोल सकते हैं इसको, इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं, एचआई इसको बोलेंगे, ह्यूमन इंटेलिजेंस। ठीक है, इसके अंदर इसके पास क्या आया, यहां पर ब्रेन आया। ठीक है, ब्रेन के अंदर क्या आया, हमारे इमोशंस आए। ठीक है, ब्रेन आया, ब्रेन के अंदर हमारे पास क्या है, इमोशंस आए। तो हम लोग ना जिस तरीके से क्या होता है कि हम लोग जो ह्यूमंस हैं वो पूरे के पूरे ना यहां पर इतने कैपेबल हैं, बाकी और भी लिविंग थिंग से हम लोग इसके पास जो ब्रेन है इस तरीके से काम करता है कि हम लोग जो भी चीज क्रिएट करते हैं ना वो बेटर होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से हमने ये सोचा कि क्यों ना हमारे पास, ह्यूमन के पास जो इंटेलिजेंस है उसी तरीके की एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बताई जाए। ठीक है, उस तरीके से हम लोग इस सोच के साथ, इस ह्यूमन इंटेलिजेंस की सोच के साथ साथ हम लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में थिंक करना स्टार्ट किया कई सेंचुरीज पहले से।
ये होता है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो मैं आपको आसान शब्दों में बताना चाहता हूं। अब ह्यूमन के पास क्या है, बहुत ही अच्छी चीज है, वो है हमारा ब्रेन, ठीक है। अब हमारा ब्रेन क्या काम करता है, ब्रेन कैसे सीखता है हमारा, हम लोग बचपन में थे, हम लोग को सिखाया गया, दिखाया गया कि ये ए फॉर एप्पल है, एप्पल से हम लोग सिंबॉलिकल चीज से क्या सीखे, हम लोगों ने ए को सीखा। बी फॉर हम लोग को बैट से सिखाया गया, बी फॉर बॉल से सिखाया गया कि ये बी है, हम लोगों ने सिंबॉलिकल चीज से सीखा, हमने 1 2 3 भी जो सीखा सिंबॉलिकल चीज से सीखा, ठीक है। वैसी मशीन को भी यहां पर सिखाया गया पैटर्न के थ्रू, कि भाई मशीन आपको भी लर्न करना है, ठीक है। जैसे हमने अपने ब्रेन को सिखाया, वैसे हमने मशीन को भी सिखाया कि एक पैटर्न के थ्रू। तो मशीन को लर्न करने में क्या जरूरत होता है, यहां पे पैटर्न की जरूरत पड़ती है, ठीक है। पैटर्न हम लोग जब मशीन को दिखाएंगे तभी वो एल्गोरिथम के थ्रू वहां पे जो है काम करेगी, उस तरीके से चलेगी जैसे हमारा ब्रेन काम करता है। अब ह्यूमन ने ना बहुत अच्छा चीज, एक और चीज सोचा कि क्या हम लोग इमोशनल को, ठीक है, क्या डाल सकते हैं जो अभी तक डाल नहीं पाए, ठीक है। हम लोग न्यूरल नेटवर्क एक काम होता है डीप लर्निंग के अंदर, ठीक है। तो हम लोग मशीन को कहना सिखाना चालू किए कि भाई और लर्न करो, डीप में जाके लर्न करो, ठीक है, हमारे इमोशंस को भी समझो। तो क्या होता है, एक पैटर्न के थ्रू, मशीन लर्निंग को हमेशा ना एक पैटर्न देना पड़ता है, मशीन लर्निंग को डेटा देना पड़ता है, इनपुट देना पड़ता है, तब वो मशीन जो है ना लर्न करके हमको प्रोग्राम दे पाती है। लेकिन डीप लर्निंग इतना ज्यादा अच्छा मार्केट में अभी इसलिए बना हुआ है, और इसलिए हम लोग AI इंजीनियर पे काम कर रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग डीप लर्निंग में अभी काम करना स्टार्ट किए, ना कि अभी हम लोग करके खत्म कर लिए हैं। डीप लर्निंग में हम लोगों ने कहा है कि मशीन को कि भाई अब आप जाओ और उसके अंदर जो हमारे न्यूरल नेटवर्क है, ठीक है, जो न्यूरॉन्स है उसी के थ्रू में ये बेस्ड है, और ये रियल चीज है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरी तरीके से इमोशन की तरह काम कर रहा है, लेकिन हमारी जो मेन ऑब्जेक्टिविटी है कि क्यों हम लोग बना रहे हैं डीप लर्निंग को, इसलिए बना रहे हैं, तो ये कोई अलग चीज नहीं है। मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग कोई अलग चीज नहीं है, बस एक हमने अंदर एक सबसेट कैटेगरी बना दी है डीप लर्निंग की, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पे हर चीज जो है क्लियर हो गई होगी, मेरे को यहां तक लगता है कि रियल टाइम एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको समझाया है। ये जो पूरा की पूरा जो काम कर रहा है ना, बायोलॉजिकल फॉर्मेट में ह्यूमन काम कर रहा है, और ये जो पूरा की पूरा जो है ना मैथमेटिकल और काम जो चीजें है ना उसके थ्रू में काम कर रहा है। तो आप लोग अब बिल्कुल भी भूलेंगे नहीं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग तीनों में क्या रिलेशन है और ये क्यों यहां पे बनाई जाती है, मैंने आपको आसान भाषा में बताया। अब हम लोग देख लेते हैं कि यहां पे डेफिनेशन क्या बोलती है। देखिए क्या लिखा हुआ है, AI सिमुलेट ह्यूमन इंटेलिजेंस टू परफॉर्म टास्क एंड मेक डिसीजन। हम लोगों को कोई भी डिसीजन लेना है तो AI जो है सिमुलेट करता है, जो मैं भी मैंने आपको बताया ह्यूमन इंटेलिजेंस को क्या करने के लिए, किसी भी परफॉर्म को या टास्क को यहां पे क्रिएट करने के लिए। ML इज ए सबसेट ऑफ AI दैट यूज एल्गोरिथम टू लर्न पैटर्न फ्रॉम टू द डेटा। मशीन लर्निंग क्या है, सबसेट है AI का, ठीक है। इस AI का जो सर्कल है उसके अंदर मशीन लर्निंग जो है एक सबसेट है, किसका, AI का, ठीक है। ये भी हमने देखा, ये क्या करता है, एल्गोरिथम करता है, लर्न करता है, पैटर्न करता है, किससे, डेटा से, ठीक है, जिसको सिखाना पड़ता है। मशीन लर्निंग को यहाँ पे डेटा और इनपुट की जरूरत पड़ती है, लेकिन डीप लर्निंग इज ए सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग, ये मशीन लर्निंग है, ठीक है, इसका सबसेट है यहाँ पे डीप लर्निंग, और ये है हमारा AI, ठीक है। ये अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डायग्राम में भी देखा। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, डीप लर्निंग इज ए सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग दैट एम्प्लॉयज आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, जो भी मैंने आपको बताया, ये न्यूरल नेटवर्क का जो पूरा कॉन्सेप्ट आया है ना, ह्यूमन ब्रेन के जो बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स है उसको ध्यान में रखते हुए ही हम लोगों ने ये जो है न्यूरल नेटवर्क और डीप लर्निंग की जो है सोच यहां पे जो है स्टार्ट की है। तो इस तरीके से हम लोग यहां पर मशीन लर्निंग के अंदर एक और सबसेट डेवलप कर रहे हैं, वो है हमारा डीप लर्निंग, और कोई अलग चीज नहीं है, ठीक है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, बिल्कुल भूल जाइए कि मशीन लर्निंग बहुत टफ चीज है, ठीक है। AI में और मे नॉट रिक्वायर्ड ए लार्ज डेटा सेट, AI को कोई लार्ज डेटा सेट यहाँ पे कभी जरूरत पड़ती कभी नहीं पड़ती है, इट कैन यूज द प्रीडिफाइंड रूल्स। अब क्या है, रूल्स की बात करते हैं, ठीक है। मैंने ना क्या कहा, ये प्रीडिफाइंड रूल्स की हम लोग बात करते हैं, और एक बहुत अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पे ना एक एग्जाम्पल के थ्रू चीज समझते हैं, ठीक है, प्रीडिफाइंड रूल, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं हमारे ईमेल का। पहले क्या होता था कि मैंने आपको मेल ड्राफ्ट किया और मेल भेज दिया, ठीक है। मैंने मेल आपको भेजा, मेल एक सेंडर ने मेल भेजा, एक रिसीवर को मेल मिल गया। अब मैंने क्या किया, उसके अंदर एक रूल बना दिया, एक मशीन को लर्न करवा दिया, ठीक है, कि भाई यदि मैंने किसी मेल में 3 बार डिस्काउंट वर्ड यूज किया है, 3 बार डिस्काउंट वर्ड यूज किया है, 4 बार मैंने सेल्स वर्ड यूज किया है, तो ये जो मेरा मेल है ना वो मार्केटिंग कैटेगरी के अंदर चले जाए। मैंने क्या किया, मशीन लर्निंग को एक इंस्ट्रक्शन या रूल दे दिया कि यदि मैंने कि मेल ड्राफ्ट किया उसमें डिस्काउंट वर्ड डाल दिया और डिस्काउंट वर्ड को डालने के बाद मैंने उस मेल को भेज दिया तो मेरे अंदर जो कैटेगरी है, जो मेरी मेरी मेल जो ईमेल का जो फोल्डर बनता है उसमें अपने आप वो चले जाए कहां पे, मार्केटिंग वाले सेक्शन पे वो मेल चले जाए,
ठीक है, ये मैंने क्या किया, मशीन को सिखाया। अब मैं एक और रूल दे दिया कि भाई जिस किसी मेल में ना आता है बर्थडे है ना, और किसी में कोई डेट आता है, ठीक है, तो ये सब जो मेल है ना वो किस कैटेगरी में चले जाए, मेरे पर्सनल मेल की कैटेगरी में चले जाए। तो मैंने क्या किया, अपने ईमेल को एक अच्छी तरीके से इंटेलिजेंस पावर दे दिया और उसके अंदर एक रूल बना दिया कि ये रूल के थ्रू जो है मेरा ये चीजें जो है वो चलते रहे। यहां तक का काम क्या हुआ, मशीन लर्निंग का काम हुआ। अब मैं ये कह रहा हूं कि भाई मेरे को ना ये सब जो चीजें हैं, जैसे अब मान लीजिए मार्केटिंग वालों को पता चल गया कि ये जो 3 बार में सेल्स या डिस्काउंट आ रहा था ये मार्केटिंग में चले जाएगा, ये प्रायोरिटी वाइज जो है लो में चले जाएगा, ठीक है, तो वहां पर इस चीज को उन्होंने क्रैक कर लिया। तो क्या होगा कि ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग के अंदर इफ एल्स मेरे को लगाना पड़ेगा कई बार, और ये चीज जब चेंज हो जाएगी, जो हमारी जो प्रोग्रामिंग है, जो मतलब कि सेल्स टीम को पता चल गया, मतलब मान लीजिए मार्केटिंग एजेंसी को पता चल गया कि इस तरीके के कीवर्ड को मैं यूज कर रहा हूं, तो वो क्या करेंगे, 3 बार नहीं लिखेंगे, 2 बार ही डिस्काउंट लिखेंगे, ठीक है, या फिर कोई और सिनोनिम्स वर्ड्स यूज करने लगेंगे, ठीक है। वहां पे क्या होगा, मेरा की पूरा जो कोडिंग है, मेरी जो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग है, जो मैंने रूल बना के रखा हुआ था मशीन लर्निंग के अंदर, वो रूल मेरा क्या हो जाएगा, यहां पर फिर से मुझे कोड लिखना पड़ेगा, मशीन को फिर से सिखाना पड़ेगा। लेकिन यदि यही चीज मैं क्या करता हूं, एक ह्यूमन ब्रेन की तरह, ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है, मैं डाल देता हूं इस मशीन के अंदर, ठीक है, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, उसी के थ्रू जो है ना डेटा डालते जाऊंगा। तो मशीन लर्निंग को हमेशा क्या होता है, एक पर्टिकुलर प्रिडिक्टिव रूल्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है, लेकिन डीप लर्निंग को इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहां पर मैंने क्या किया, रूल को भी तोड़ दिया। हम लोग जो ह्यूमन है ना बहुत स्मार्ट है, ठीक है, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग इस तरीके से ही अपनी मशीन को सिखा दें कि हमारे जो काम है वो मशीन को करने पड़े और हम लोग जो है कोई दूसरे चीजों के जो काम है वो यहाँ पे कर सकें। तो अब आप लोग को यहाँ पे समझ में आ गया कि हम लोग यहाँ पे मशीन लर्निंग के अंदर जो AI है, AI का जो सब पार्ट जो होता है, यहाँ पे मशीन लर्निंग होता है, मशीन लर्निंग का जो सब पार्ट होता है वो हमारा डीप लर्निंग होता है, और किस तरीके से हम लोग इसको जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ये सब चीजों पर हम लोग यहाँ पे जो है आगे चल के समझने वाले हैं। तो अभी हम लोग जो पार्ट देखेंगे पूरा के पूरा मशीन लर्निंग का देखेंगे, और डीप लर्निंग कोई अलग से चीज नहीं होता है, ठीक है, पहले ही मैं आप लोग को यहाँ पे बता दे रहा हूं। तो अब यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब क्या है कि डेटा साइंस और डेटा एनालिस्ट की अब हम लोग करेंट रोल पे आते हैं कि भाई डेटा साइंस जो और डेटा एनालिटिक्स जो हमारी जो एनालिटिक्स जो पोस्ट होती है, डेटा साइंस इंजीनियर पोस्ट होती है, मशीन लर्निंग इंजीनियर पोस्ट होती है, AI इंजीनियर पोस्ट होती है, इस ये सब का क्या सीन है करके, एक डेटा साइंस इंजीनियर को क्या क्या चीज आना चाहिए, क्या उसको AI भी आना चाहिए, क्या उसको पूरा मशीन लर्निंग भी आना चाहिए, क्या उसको डीप लर्निंग भी आना चाहिए, मैं आपको यहाँ पे एक अच्छी तरीके से ये चीज समझा देता हूँ। पहले आप समझिए डेटा साइंस यहाँ पे जो है क्या है, ठीक है, डेटा साइंस इज एन अम्ब्रेला टर्म ऑफ एनकम पासेस डेटा एनालिटिक्स, डेटा माइनिंग, मशीन लर्निंग एंड सेवरल अदर रिलेटेड डिसिप्लिन्स, व्हाइल ए डेटा साइंटिस्ट इज एक्सपेक्टेड टू फोरकास्ट द फ्यूचर बेस्ड ऑन पास्ट पैटर्न्स, डेटा एनालिटिक्स एक्सट्रैक्ट मैनिपुलेट इनसाइट ऑफ द वेरियस डेटा सोर्स। छोड़िए, ये जो हमारी पूरी डेफिनेशन है ना ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, मैं आपको आसान भाषा में बताता हूं कि हमारी ये जो AI है, मशीन लर्निंग है और डीप लर्निंग है, ये जो तीनों जो डायग्राम आपके बने हुए हैं ना, इसमें यदि मैं बोलूं कि ये तीनों का थोड़ा थोड़ा पार्ट, ठीक है, ये तीनों का, ये AI का, ठीक है, ये AI है, ये मशीन लर्निंग है, ये डीप लर्निंग है, ठीक है, इन थोड़ा थोड़ा जो पूरा पार्ट है ना, ये पूरा जो कवर करता है वो है हमारा क्या, डेटा साइंस, ठीक है। ये जो पूरा आपको यहाँ पे शो हो रहा है ना, ये वाला जो तीनों पार्ट है ये हमारा क्या, डेटा साइंस, ठीक है। तो डेटा साइंस के अंदर हम लोगों को ना तीनों चीज की ना थोड़ी थोड़ी चीज जो है ना यहाँ पे कवर अप करनी पड़ती है, मतलब कि AI भी हमको कवर करना पड़ता है, मशीन लर्निंग भी कवर करना पड़ता है, डीप लर्निंग भी कवर करना पड़ता है। तो ये पूरे की पूरे अम्ब्रेला की तरह ही जो है काम करता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। डेटा साइंस एक अम्ब्रेला की तरह है जिसमें AI भी आता है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर AI भी आता है, ये AI भी आता है यहाँ पर मशीन लर्निंग भी आता है, यहाँ पर डीप लर्निंग भी आता है। तो इस तरीके से जो है मेरा पूरा की पूरा ये जो डेटा साइंस है वो काम करता है AI के साथ भी, मशीन लर्निंग के साथ भी और डीप लर्निंग के साथ साथ भी। अब क्या होता है, ये जो पोस्ट होती है ना इसीलिए डिजाइन की गई है ताकि डेटा साइंस इंजीनियर को AI भी समझ में आए, मशीन लर्निंग भी समझ में आए, डीप लर्निंग भी समझ में आए। लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट हायरिंग की जाती है, वो है AI इंजीनियर की, ठीक है। कई प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें डायरेक्ट हायरिंग की जाती है मशीन लर्निंग इंजीनियर की, कई प्रोजेक्ट में DL इंजीनियर की, अधिकतर जो है यहाँ पर AI इंजीनियर, ML इंजीनियर और डेटा साइंस का यहाँ पे जो है करेंटली रोल चलता है। और डेटा एनालिस्ट क्या होता है कि डेटा एनालिटिक्स ना डेटा साइंस का एक सब पार्ट है मान सकते हैं, वैसे यहाँ पर एक डेटा इंजीनियर होता है, ठीक है। हम लोग को इसके अंदर डेटा की माइनिंग करनी होती है, कई डेटा को क्लीन करना होता है, डेटा को डिप्लॉयमेंट करना होता है, डेटा को एक्सट्रैक्ट करना होता है, ये सारा चीजें जो होती है हमारी डेटा साइंस के अंदर हम लोग सीखते हैं।
हम लोग डेटा एनालिटिक्स जो होता है ना, ये एक अलग से सब कैटेगरी बना के रखा गया है। हमको जो है ना डेटा साइंस के अंदर एक सब पार्ट होता है डेटा एनालिटिक्स। तो आपको हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए, मैं एक यहाँ पे डिस्क्लेमर दे देता हूँ, कि आपको ना पहले डेटा एनालिटिक्स की स्किल सेट आ जाए, फिर आप डेटा साइंस की तरफ जाए। क्योंकि आपको पहली क्लास में कोई भी एनएलपी समझाए, एआई के एल्गोरिथम समझाए, तो आपको समझ में नहीं आएगा। दैट्स व्हाई मैं मशीन लर्निंग के फर्स्ट क्लास में आपके पूरे के पूरे फाउंडेशन को क्लियर करते हुए चल रहा हूं। तो यहां पर आपको क्लियर हो गया होगा डेटा एनालिटिक्स एक डेटा साइंस का सब पार्ट है। ठीक है, आप यहाँ पे डेटा एनालिटिक्स में 2-3 साल काम करने के बाद भी आप डेटा साइंस की तरफ या जूनियर डेटा साइंस की तरफ जा सकते हो, क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज है, आपको सीखने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीजें हम लोगों ने क्लियर कर दी, हमारी आज डे वन की क्लास है। दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे कंप्लीट धीरे धीरे यहाँ पे चल रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पर जो हमारे फाउंडेशन है कि क्या मशीन लर्निंग होता है, एआई मशीन लर्निंग डीप लर्निंग में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पर पूरी तरीके से डिस्कस कर ली है। अब हम लोग ना यहाँ पर देखेंगे टाइप ऑफ मशीन लर्निंग। तो अब इस टॉपिक से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज की हमारी डे नंबर वन की फर्स्ट टॉपिक, जिसको आपको यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल जो क्लास है उसको समझते हुए चलना है। तो मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले ही बता दूं कि मशीन लर्निंग जो होती है ना, जो हम लोग पूरा डे नंबर पूरा 1 से लेकर डे नंबर 30 तक पूरा पढ़ने वाले हैं, इसमें हम लोग ना टोटल कोई भी मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम को पढ़ें, ये मेनली ना 4 टाइप्स के मशीन लर्निंग एल्गोरिथम होंगे। ठीक है, कुछ बुक्स यहाँ पे बोलती है कि जो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है कुछ 3 टाइप के होंगे, कुछ बोलते हैं 4 टाइप के होंगे। मैं यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से बता दूं, दोनों ही हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कुछ बुक्स में लिखा गया है कि सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है, कुछ मिशन में लिखा गया है अनसुपरवाइज है, कुछ में लिखा हुआ है सेमी सुपरवाइज है, यहाँ पर इन्फोर्समेंट है। तो आपको यहाँ पर चारों के बारे में पता होना चाहिए, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। कई बार इंटरव्यू में होता है कि हम लोग बोल देते हैं कि सर हम लोग जो मशीन लर्निंग है टोटल 4 कैटेगरी में डिवाइडेड है, कोई लोग बोलते हैं कि मशीन लर्निंग 3 टाइप की कैटेगरी में डिवाइडेड है। तो यहाँ पर और कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि मशीन लर्निंग जो है 2 टाइप से कैटेगराइज है। ठीक है, तो यहाँ पर टाइप ऑफ मशीन लर्निंग को समझना काफी जरूरी है। तो आप लोग कभी भी यहाँ पे बताइए कि मशीन लर्निंग जो है ज्यादा से ज्यादा जो है हम लोग उसको 4 टाइप ऑफ मशीन लर्निंग पे जो है डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है हमारा सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, ठीक है, दूसरा होता है अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, तीसरा होता है सेमी सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, और फोर्थ होता है रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग। ठीक है, और जो लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं वो बोलते हैं सुपरवाइज्ड है या अनसुपरवाइज्ड है, सेमी और रीइंफोर्समेंट को जो है वहां पे वो काउंट नहीं करते हैं। बिकॉज जब हम लोग मशीन लर्निंग को स्टार्ट किए थे तो हम लोगों ने 2 कैटेगरी बनाई थी, जैसे जैसे मशीन लर्निंग के बारे में हम लोग जानते गए पढ़ते गए एल्गोरिथम बनाते गए, उसी कैटेगरी को भी हम लोग मेंटेन करते जा रहे हैं। दैट्स व्हाई यहां पर आप अभी बोल सकते हैं कि मशीन लर्निंग को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक ऐसी मशीन जिसको सुपरवाइज करना रहे, ठीक है, उसको हम लोग सुपरवाइज मशीन लर्निंग कहेंगे। एक ऐसा मशीन लर्निंग एल्गोरिथम जिसको हम लोग को सुपरवाइज ना करना पड़े, उसकी देखरेख ना करना पड़े, उसको हम लोग अनसुपरवाइज कहेंगे। इस तरीके से हम लोग जो है 2 कैटेगरी में पहले सोचे कि 2 कैटेगरी हम लोग बना देते हैं, एक सुपरवाइज बना देते हैं, दूसरा अनसुपरवाइज बना देते हैं। फिर हमारे पास दिमाग में आया कि नहीं यार, इसका सेमी सुपरवाइज्ड वर्जन भी हो सकता है, रीइंफोर्समेंट भी हो सकता है। तो हम लोग टोटल ना यहाँ पर चारों जो है मशीन लर्निंग के टाइप ऑफ मशीन लर्निंग को देखेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर हमारा जो नोटपैड है इसको यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, हम लोग इसको जो है देखते हुए चलते हैं कि क्या होता है टाइप ऑफ मशीन लर्निंग। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर टाइप ऑफ मशीन लर्निंग। एक काम करता हूँ, यहाँ पर हम लोग नया पेज ही बना लेते हैं और यहाँ पर हेडिंग देते हैं टाइप ऑफ मशीन लर्निंग। ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जितना भी हम लोग आगे चल के मशीन लर्निंग के जो भी हम लोग यहाँ पे टॉपिक्स पढ़ेंगे ना, ये टोटल 4 कैटेगरी में से किसी ना किसी एक कैटेगरी का वो मशीन लर्निंग होगा। ठीक है, तो हम लोग टाइप ऑफ मशीन लर्निंग ये हेडिंग दे देते हैं। टोटल मैं आपको बता दूं यहाँ पर ना मशीन लर्निंग के 4 टाइप्स हैं। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने इसको डिस्कस किया आप लोगों के साथ, लेकिन कभी कभी इंटरव्यू में ये बोल दिया जाता है कि आपकी जो मशीन लर्निंग है उसके तो केवल 2 ही टाइप होते हैं। तो कई बुक्स में यहाँ पे 2 टाइप दिया होता है, कई बुक्स में 3 टाइप ऑफ मशीन लर्निंग दिया रहता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे चारों के चारों टाइप ऑफ मशीन लर्निंग को डिस्कस करूंगा। ठीक है, क्या होता है कि यहाँ पर ना एक कैटेगरी हम लोग बनाते हैं सबसे पहले यहाँ पर सुपरवाइज मशीन लर्निंग की। ठीक है, ये जो कैटेगरी है ये है मेरी सुपरवाइज मशीन लर्निंग। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता हूँ सुपरवाइज मशीन लर्निंग। ठीक है, दूसरी जो कैटेगरी होती है वो है होती है हमारी अनसुपरवाइज्ड। ठीक है, अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग होती है। ठीक, अब ये सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग जो होती है ना, इसको ही पहले 2 कैटेगरी माना गया था, लेकिन आगे चलकर हम लोग क्या कह रहे इसमें 3 कैटेगरी और यहां पर ऐड कर दिए। हमने कहा कि सुपरवाइज्ड भी होगा थोड़ा सा इसमें और अनसुपरवाइज्ड भी होगा, तो इसको हमने क्या कह दिया, सेमी सुपरवाइज्ड कह दिया।
ठीक है, और एक है हमारा रीइंफोर्समेंट, जिसको अभी हम लोग आगे चल के थोड़ी देर में देखेंगे। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, आपको नोट्स में भी ये मैंने मेंशन करके रखा गया है। व्हाट आर द फोर टाइप ऑफ मशीन लर्निंग? देयर आर द फोर टाइप ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, सुपरवाइज, सेमी सुपरवाइज, अनसुपरवाइज एंड रीइंफोर्समेंट। ठीक है, तीन टाइप में कौन कौन से है? मशीन लर्निंग इन्वॉल्व्स द शो ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा ऑफ ए मशीन सो दैट इट कैन लर्न फ्रॉम टू द मेक प्रिडिक्शन, फाइंड पैटर्न एंड क्लासीफाई डेटा। देयर आर द थ्री मशीन लर्निंग टाइप ऑफ द सुपरवाइज, अनसुपरवाइज एंड रीइंफोर्समेंट। तो इस तरीके से आपको चारों की चारों चीजों को यहां पर देखते हुए चलना है। चार तरह की मशीन लर्निंग हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, क्या टाइप होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है ना, ये जो सुपरवाइज और अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग होती है, इसके भी ना कुछ सब कैटेगरीज होते हैं जो मैं आपको यहाँ पे जो है बताता हूं। जैसे कि मैं इसको सबसे पहले यहाँ पे पेस्ट कर दूं। ठीक है, ये जो है मेरा, जस्ट ए मिनट, हम लोग नोट्स को भी प्रिपेयर करते हुए चलते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा ये जो लिखा हुआ है ना, साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, यहाँ पर हम लोग देखते हुए चलते हैं, जिससे कि आपका समय बच सके और हम लोग यहाँ पर टॉपिक पे डिस्कस कर सकें। ठीक है, देखिए पहला जो है हमारा, ये है हमारा सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग को ना दो कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, पहला है हमारा कौन सा, रिग्रेशन, और दूसरा है क्लासिफिकेशन। एक है हमारा रिग्रेशन, ठीक है, एक है हमारा क्या, क्लासिफिकेशन। ये जो है हमारा सेकंड जो कैटेगरी है, ये है हमारा क्लासिफिकेशन। अब जो सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग है, ठीक है, इस सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग का कहने का मतलब ये है कि जिस मशीन लर्निंग मॉडल को हम लोग को सुपरवाइज करना पड़े, मतलब कि उसकी देखरेख करना पड़े, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम कहते हैं। कोई मशीन लर्निंग को हमने सिखाया और उसको सुपरवाइज करना पड़ रहा है, उसकी देखरेख करना पड़ रहा है, इस तरह के मशीन लर्निंग की जो टाइप होती है उसको हम लोग सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग कहते हैं, नाम से ही आपको क्लियर है। अब जो दूसरी जो होती है वो होती है हमारी अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। ठीक है, ये जो अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग होती है, इसको चार पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्लस्टरिंग, सेकंड डायमेंशनल डिडक्शन, थर्ड एनोमली डिडक्शन, फोर्थ जो है हमारा एसोसिएशन रूल लर्निंग। और ये अलग अलग मशीन लर्निंग मॉडल्स पे, अलग अलग रिजल्ट आउटपुट पे, अलग अलग तरह की जो टाइप्स है उसको यहाँ पे जो डिफाइन करके रखा गया है। हम लोग एक एक करके अभी चारों के चारों मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को समझेंगे भी, मैं अभी केवल और केवल आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपको ये चीजें क्लियर हो गई कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। पहला दूसरा आपको क्लियर हो गया, सुपरवाइज हम लोग अभी देखने वाले हैं, फिर अनसुपरवाइज देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे सेमी सुपरवाइज मशीन लर्निंग, और फोर्थ नंबर हम लोग देखेंगे रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग। कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, पहले सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड था। सेमी सुपरवाइज्ड मतलब कि हमने कहा कि सुपरवाइज्ड के भी कुछ चीजें इसमें रहेगी और अनसुपरवाइज्ड भी रहेगी। ये हो गई हमारी क्या, सुपरवाइज्ड पहले नंबर की, दूसरी क्या हो गई हमारी, अनसुपरवाइज्ड, और ये जो थर्ड नंबर की हो गई हमारी, क्या हो गई हमारी, सेमी सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। तो इस तरीके से तीन टाइप और चार टाइप की मशीन लर्निंग जो है यहाँ पे बांटी गई है। फोर्थ नंबर की रीइंफोर्समेंट है, जिसको अभी हम लोग आगे चल के देखेंगे। तो चलिए हम लोग एक काम करते हैं, पहला नंबर जो हमारा मशीन लर्निंग है, सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग जो है, इसको यहाँ पे जो है डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारी जो सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग है वो क्या होती है और इसके टाइप्स क्या होते हैं। तो मैं सबसे पहले जाकर हमारा जो नोट्स है उसको यहाँ पे ओपन करता हूँ। नोट्स में ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मेंशन की कर करके रखी गई है, जिसको अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब देखिए कि आपको जो ये डायग्राम दिखा रहा है, ठीक है, इस डायग्राम से आप समझिए कि इसकी कैटेगरी क्यों बनाई गई। ठीक है, इस ये जो मशीन लर्निंग है, इसकी कैटेगरी क्यों बनाई गई, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, ये जो मेरा मशीन लर्निंग है, ठीक है, इसमें जो सुपरवाइज्ड है, सुपरवाइज्ड के अभी जो मैंने दो कैटेगरी बताया था ना, इस सुपरवाइज्ड की मैंने दो कैटेगरी बताया था, एक रिग्रेशन बताया था और एक क्लासिफिकेशन बताया था। अब मान लीजिए मुझे एक प्रिडिक्शन मॉडल बनाना है एडवर्टाइजमेंट का, ये किसके अंदर आएगा, रिग्रेशन के अंदर आ जाएगा। वेदर फॉरकास्टिंग का मुझे यहाँ पे जो है मशीन लर्निंग मॉडल बनाना है, ये रिग्रेशन के अंदर आता है। मार्केट फॉरकास्टिंग बनाना है, ये भी रिग्रेशन के अंदर आता है, रिग्रेशन टाइप के अंदर आता है मतलब। ठीक है, वैसी डायग्नोसिस का, कस्टमर रिटेंशन का, इमेज क्लासिफिकेशन का, आइडेंटिटी फ्रॉड डिटेक्शन का, इस तरीके के जो एल्गोरिथम हम लोग को बनाने होते हैं ना मशीन लर्निंग के अंदर, ये इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। और क्यों आते हैं, यही हम लोग सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के अंदर यहां पे पढ़ेंगे। वैसे ही होता है हमारे पास अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, इसमें जो होता है डायमेंशनल डिडक्शन और क्लस्टरिंग होता है, और इसके अलावा भी दो होता है जिसको आगे चल के जो है कैटेगरी वाइज में डिवाइड करके रखा गया है। डायमेंशनल डिडक्शन क्या होता है, क्लस्टरिंग क्या होता है, ये भी हम लोग देखेंगे, सारी की सारी चीजें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इस डायग्राम को समझते भी जाएंगे, अपना पढ़ते जाएंगे। जैसे रीइंफोर्समेंट लर्निंग है, ठीक है, सेमी सुपरवाइज्ड और सुपरवाइज्ड के बाद रीइंफोर्समेंट था फोर्थ नंबर का। ठीक है, इसमें हम लोग गेम का एआई, स्किल एक्विजिशन, लर्निंग टास्क, रोबोट नेविगेशन, रियल टाइम डिसीजन, ये सब जैसे जैसे कैटेगरी हमारी बढ़ते जा रही है मशीन लर्निंग के जो एल्गोरिथम हम लोग बनाते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे इसको हम लोग क्या करते जा रहे हैं, टाइप में डिवाइडेड करते जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग पहली टाइप यहाँ पे पढ़ने वाले हैं सुपरवाइज
सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग को। तो चलिए हम लोग पहला जो है सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग को यहाँ पे समझेंगे। और सबसे खास बात ये होगी कि हम लोग ना पूरे के पूरे जो मशीन लर्निंग के जो टाइप को आज हम लोग समझ रहे हैं ना, पूरे के पूरे मशीन लर्निंग टाइप को हम लोग रियल टाइम एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे समझते जाएंगे। तो हमारी क्लास बहुत ही फाउंडेशन से चल रही है, आपको एक भी क्लास बीच में बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, ठीक है। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, ठीक है। तो सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में हम लोग ना पहले डेफिनेशन को एक बार देख लेते हैं, फिर इसको हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। क्या लिखा हुआ है, सुपरवाइज्ड लर्निंग इज डिफाइंड एज व्हेन ए मॉडल गेट्स ट्रेन इनटू द लेबल डेटा सेट, ठीक है। यहां पर ध्यान दीजिए, लेबल डेटा सेट हैव बोथ इनपुट एंड आउटपुट पैरामीटर। एक हम लोग को ना डेटा जो होता है ना, लेबल्ड डेटा डेटा सेट मतलब वो डेटा सेट जिसमें हमारे पास इनपुट भी है आउटपुट भी है, इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के अंदर एक मॉडल को ट्रेंड करते हैं, ठीक है। इट सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम लर्न टू मैप पॉइंट्स बिटवीन इनपुट एंड करेक्ट आउटपुट्स। इट हैज बोथ ट्रेनिंग एंड वैलिडेशन डेटा सेट लेबल्ड। इट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। देखो समझो, मैं आपको ना ये चीज को डेफिनेशन को ना आसान भाषा में एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है। आपको हर चीज आसान भाषा में यहाँ पर समझनी है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है किसी भी चीज को। मानिए, मान लीजिए कि आपके कॉलेज के अंदर ना मेरे पास ना 1000 स्टूडेंट लोगों का यहाँ पे डेटा है, ठीक है। और कॉलेज के अंदर आप लोग के पास ना यहाँ पे 1000 स्टूडेंट लोगों का डेटा है। ये जो डेटा है ना, इस डेटा में मेरे पास क्या डेटा सेट है, इसमें है मेरे पास स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का परसेंटेज, स्टूडेंट का CGPA, और मेरे पास है यहाँ पे ये स्टूडेंट क्या प्लेस्ड हुआ है या नहीं हुआ है, और यार लगा है तो उसका कितने का यहाँ पे पैकेज लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मैं एक मशीन लर्निंग मॉडल बनाऊंगा। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था कि मुझे मॉडल बनाना है, तो मुझे क्या करना होता है यहाँ पर, उस मॉडल को यहाँ पे जो है एक जो है इनपुट देना होता है, और एक यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ता है मशीन लर्निंग के अंदर, यहाँ पे एक आउटपुट देना पड़ता है मशीन लर्निंग के अंदर, और एक यहाँ पे क्या है मुझे प्रोग्राम मिलता है, ठीक है। तो क्या होता है, इसी को हम लोग लेबल डेटा कहते हैं, ठीक है। जो डेफिनेशन में लिखा हुआ था ना लेबल डेटा, वो यही है कि इनपुट और आउटपुट के थ्रू मेरे को एक लेबल डेटा देना रहेगा मशीन लर्निंग को। तो यहाँ पे देखिए इनपुट डेटा क्या क्या है, एक स्टूडेंट का परसेंटेज है, एक स्टूडेंट का CGPA है यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, और इसका इतने का पैकेज लगा है यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसको मैं क्या करूंगा, इनपुट कर दूंगा कि भाई एक ऐसा स्टूडेंट 1000 स्टूडेंट में से एक ऐसा स्टूडेंट जिसका देखिए परसेंटेज ज्यादा है, CGPA यहाँ पर 7.8 है, इसका यहाँ पे प्लेसमेंट लग गया है। एक स्टूडेंट है, ठीक है, इसका यहाँ पे परसेंटेज थोड़ा कम है और यहाँ पे CGPA इतना है, तो इसका जो है प्लेसमेंट नहीं लगा है। एक स्टूडेंट है जिसका देखिए यहाँ पर परसेंटेज ही बहुत अच्छा है और यहाँ पे CGPA भी अच्छा है, इसका प्लेसमेंट लग गया, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, दो इनपुट यहाँ पे दे रहा हूँ, ये जो बॉक्स था ना मेरा, इसके अंदर मैं इनपुट दे रहा हूँ और यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे आउटपुट दे रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे मशीन लर्निंग को एक प्रोग्राम बनाने के लिए बोल रहा हूँ, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लेबल डेटा कहना देना कहते हैं, ठीक है। हमें को मशीन को सिखाना होता है। अब क्या होता है, कंक्लूजन क्या निकलता है कि यदि मैं बोलता हूं कि भाई मुझे इस इनपुट के साथ ना एक मैथमेटिकल रिग्रेशन ड्रॉ करके दो जो जनरेट करेगा मेरा क्या नया रिजल्ट और मुझे क्या एक प्रिडिक्शन देगा कि भाई इतना परसेंटेज है 1000 लोग जो मेरे स्टूडेंट हैं, जो लास्ट जो मेरे एलुमनीज हैं मेरे कॉलेज के, मान लीजिए उनका डेटा मैं किसी सिस्टम को देता हूं और सिस्टम में बोलता हूं कि भाई इतना परसेंटेज और इतना CGPA रहेगा तो आपका प्लेसमेंट लग सकता है, क्योंकि लास्ट रिकॉर्ड यही कहते हैं। मान लीजिए कि मुझे प्रोग्राम बनाना है मशीन लर्निंग के अंदर, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक इनपुट दूंगा। जैसे मान लीजिए मैं एक मॉडल बनाऊंगा, एक इनपुट दे दूंगा 87% है और 78% है, ठीक है, 87% आपका है, ठीक है, और 78% है। तो मेरे को मशीन लर्निंग मॉडल बताएगा कि क्या मेरा प्लेसमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता है, मेरे को क्या करेगा, एक मतलब नया रिजल्ट बना के देगा। इस तरीके से हम लोग जो है यहां पर सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के अंदर जो है काम करते हैं। अब क्या है कि सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के अंदर ना हम लोग को लेबल डेटा देना होता है, क्या करना होता है, इस मशीन लर्निंग को ट्रेन करना होता है, ठीक है। अब इसकी ना दो क्लासिफिकेशन है, सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग की दो क्लासिफिकेशन है। एक है हमारा कैटेगरीज है, ठीक है, मैंने क्लासिफिकेशन कह दिया, दो कैटेगरीज है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग की। एक है मेरा क्लासिफिकेशन, दूसरा है हमारा रिग्रेशन, जो हमारा सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग है, ठीक है, उसकी दो कैटेगरी है यहाँ पर, एक है क्लासिफिकेशन, एक है हमारा रिग्रेशन। यदि मेरा आउटपुट डेटा, ठीक है, देखिए डेटा क्या होता है, डेटा दो तरीके का होता है, या तो डेटा न्यूमेरिकल डेटा होगा, जो जैसे कि अभी जो डेटा था इसमें न्यूमेरिकल डेटा था, क्या क्या न्यूमेरिकल डेटा था, परसेंटेज था,
ठीक है, आपको मैं यहाँ पे शो करता हूं, मेरे पास क्या था यहाँ पे परसेंटेज था, ठीक है, ये जो मेरा परसेंटेज था ये मेरा क्या था न्यूमेरिकल डेटा था, सीजीपीए न्यूमेरिकल डेटा था, स्टूडेंट प्लेस होगा नहीं होगा ये क्या था मेरा न्यूमेरिकल डेटा नहीं था, ठीक है, ये मेरा न्यूमेरिकल डेटा था। अब क्या है, डेटा दो तरीके का होता है, एक होता है न्यूमेरिकल डेटा और दूसरा होता है कैटेगरिकल डेटा, जैसे कि मेरा स्टूडेंट का नेम हो गया, जेंडर हो गया, कौन से नेशन में रहता है, ये सब क्या हो गया मेरा कैटेगरिकल डेटा हो गया, ठीक है, स्टूडेंट का परसेंटेज, मार्क्स, वेट, कितना वेट है स्टूडेंट का, ये भी जो है मतलब जो न्यूमेरिकल नंबर होते हैं, ठीक है, नंबर जो होते हैं वो होता है हमारा न्यूमेरिकल डेटा। तो डेटा दो तरीके से डिवाइडेड होता है, ठीक है। अब मैं जब सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग की बात करता हूं तो उसमें जो मेरा न्यूमेरिकल आउटपुट आता है, ठीक है, यदि मेरा न्यूमेरिकल आउटपुट आया तो इसको मैं क्या कहूंगा, रिग्रेशन मशीन लर्निंग, सुपरवाइज मशीन लर्निंग के अंदर ही आएगा। मतलब दो कैटेगरी है, उसको हम लोग जज कैसे करेंगे, यदि मेरा आउटपुट जो है न्यूमेरिकल डेटा आउटपुट आएगा तो मैं क्या करूंगा इसको कि ये रिग्रेशन सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग है, ठीक है। यदि मेरा कैटेगरिकल आउटपुट डेटा आएगा तो मैं इसको क्या कहूंगा, ये कि जो है हमारी जो मशीन लर्निंग जो मॉडल है वो क्लासिफिकेशन सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग मॉडल है, ठीक है। आपको ये ना मैं और अच्छे तरीके से समझाता हूं इस डायग्राम के थ्रू, इस एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए एक एग्जाम्पल है, ठीक है, इस एग्जाम्पल में यहां पर क्या है, एक डॉग है, ठीक है, ये डॉग है, मेरे पास एक कैट है और मेरे पास एक यहाँ पे चिकन है, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूं कि सुपरवाइज्ड मशीन मॉडल को मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं, ठीक है, कि एक डॉग जो है इसको ट्रेन दे रहा हूं कि एक इमेजेस है, ठीक है, इस इमेज में डॉग की जो पहले पूछ या फिर उसका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस तरीके का होता है, मैंने इसको बता दिया, इसकी जो नीचे की तरफ होती है, ठीक है, और इसका जो फेस है कुछ इस तरीके का होता है, और कैट जो होता है उसका कुछ फेस थोड़ा छोटा होता है, सामने में समथिंग कुछ अलग उसके डिटेक्शन होते हैं, और उसकी जो पीछे की जो पूछ होती है वो इस तरीके से ऊपर की तरफ होती है, चिकन जो है इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है। तो मैं क्या करता हूं, बहुत सारे लेबल डेटा को, बहुत सारी इमेजेस को ना ट्रेंड करा देता हूं किसको, सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के अंदर, ठीक है। अब मैं यहां पे नंबर ऑफ डॉग्स पूछता हूं, ठीक है, कि नंबर ऑफ डॉग्स कितने हुए हैं यहां पे, तो वो क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल हो जाएगा, ठीक है, न्यूमेरिकल आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। उस मशीन लर्निंग का काम ये होगा कि भाई नंबर ऑफ डॉग्स बताओ मेरे को, इस इमेज को तुम रिकॉग्नाइज कर रहे हो तो इसमें नंबर ऑफ डॉग कितने थे, तो वो कौन सा होगा, न्यूमेरिकल आउटपुट होगा, जैसे यहां पर आपको शो कर रहा हूं मैं, न्यूमेरिकल आउटपुट होगा। ये कौन सा टाइप का मशीन लर्निंग होगा, सुपरवाइज्ड के अंदर कौन सा होगा, रिग्रेशन होगा, ठीक है। और कैटेगरिकल आउटपुट क्या होगा कि भाई ये डॉग है, ठीक है, डॉग की ब्रीड्स क्या है, जैसे मान लीजिए पोमेलियन या समथिंग कुछ ब्रीड्स है, तो ये किस तरह की कैटेगरी में आएगा, सुपरवाइज्ड के अंदर, कैटेगरिकल आउटपुट के अंदर। तो पहचानने का आसान सा तरीका होता है कि यदि मेरा आउटपुट न्यूमेरिकल है तो वो रिग्रेशन सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग होगा, मेरा आउटपुट यदि यहां पर वर्ड फॉर्मेट में है, मतलब कि मान लीजिए कैटेगरिकल फॉर्मेट में है, तो ये जो है हमारा क्लासिफिकेशन सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग होगा। ये काफी बेसिक से छोटी सी चीज है लेकिन आपको इंटरव्यू में पूछी जा सकती है, दैट्स व्हाई यहां पर हम लोगों ने सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के साथ-साथ दोनों की इसकी जो कैटेगरी है, सब कैटेगरीज जो है जिसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, इसको भी हम लोगों ने यहां पे समझा। अब देखिए ये जो एग्जांपल है ना, बहुत अच्छा एग्जांपल है, हर क्लास में ये एग्जांपल दिया जाता है कि कंसीडर ए सिनेरियो वेयर यू हैव टू बिल्ड ए इमेज क्लासिफाइड टू डिफरेंट बिटवीन कैट्स एंड डॉग, इफ यू फीड द डेटा सेट ऑफ द डॉग्स एंड कैट्स लेबल इमेज टू द एल्गोरिथम, द मशीन विल लर्न टू क्लासिफाई बिटवीन डॉग और कैट फ्रॉम दिस लेबल इमेज, when we input new dog or cat image that it has been never seen before, it will use learn from the algorithm predict whether is a dog or cat, this is how supervised learning works and is particular as image classification। aap is image ke through apne human intelligence ke andar ye cheez dal lo ki yadi aap yahan par kisi bhi cheez ko supervised kar rahe ho, ek image ko dikhate hue, label ko dikhate hue aur predict kar rahe ho wahan se ki ye dog hai ya cat hai ya fir chicken hai, isko hum log supervised machine learning kahenge, iska आउटपुट यदि न्यूमेरिकल आएगा तो हम लोग इसको रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन में यहां पर डिवाइड कर सकते हैं कैटेगरिकल और न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग। यही काम होता है हमारा कहां पे, सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के अंदर। अब भाई सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग आपके पास थी, उसके कई सारे एडवांटेजेस हैं, उसके कई सारे डिसएडवांटेज हैं। इसके एडवांटेज के कारण इसको यूज किया जाता है, ठीक है, और कुछ डिसएडवांटेज के कारण हम लोगों ने डेवलप किया है, दूसरी कैटेगरी हमने यहां पे बनाई अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, ठीक है। जैसे आपने रोड में देखा होगा हमारे जो पाइथन के अंदर हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं, मशीन लर्निंग के जो प्रोग्राम बनाते हैं उसमें अभी हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो सीसीटीवी कैमरा लगे होते हैं उस कैमरे से हम लोग डिटेक्ट करते हैं और उस डिटेक्ट से हम लोग ये दिखाते हैं कि इस नंबर ऑफ रोड में इतनी कार्स गई, इतनी बाइक्स गई, इतनी बाइसाइकल्स गई, ठीक है। ये मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो रियल टाइम प्रोजेक्ट्स हैं, ये बिल्कुल इसी तरीके से काम करता है। ये कौन
सा मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट हुआ हमारा, सुपरवाइज्ड हुआ, क्योंकि हम लोग नंबर्स यहां पे काउंट कर रहे हैं। यही यदि आपसे इंटरव्यूअर पूछ ले कि एक मैं ट्रैफिक में एक कैमरा लगाता हूं, उस कैमरे के अंदर मैं काउंट करता हूं कि एक कार गया, फिर वहां से बाइसाइकिल गया, फिर ये गया, ये कौन सी टाइप ऑफ कैटेगरी ऑफ मशीन लर्निंग में आएगा, आपके डेप्थ नॉलेज को चेक करने के लिए ये आपसे पूछा जा सकता है। तो आज की क्लास के बाद आपको इसका आंसर मिल चुका है। आप इसको क्या बताएंगे, सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग है, जैसे कि डॉग और कैट वाला एग्जांपल आप दे सकते हो, ठीक है। अब देखिए इसके एडवांटेजेस क्या क्या है, यहां पर एडवांटेज क्या बोलता है, सुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल्स कैन हैव हाई एक्यूरेसी एंड दे आर ट्रेन्ड ऑन द लेबल डेटा। यहां पर ध्यान रखिए हमको लेबल डेटा देना पड़ रहा है, ठीक है, और इसको ट्रेन करना पड़ रहा है तभी वो हाई एक्यूरेसी दे रहा है, ठीक है, ये इसका एडवांटेज पॉइंट है। द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग इज सुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल इज ऑफ्टन इंटरप्रिटेबल, ठीक है। हाँ, ऑब्वियसली बात है कि हम लोग डिसीजन यहाँ पे मेकिंग ले लेगा क्योंकि वो ट्रेंड है पहले से, ठीक है, प्रोग्राम है उसके पास मशीन लर्निंग का, तो वो यहाँ पर जो है अच्छी तरीके से जो है डिसीजन मेकिंग हो जाएगा। इट कैन ऑफ्टन टू बी यूज प्री ट्रेन मॉडल्स विच सेव टाइम एंड रिसोर्सेज वेन डेवलप न्यू मॉडल्स फ्रॉम टू द स्क्रैच। हम लोग को यहाँ पे जो है टाइम वगैरह जो है वो सेव करेगा मॉडल्स वगैरह में, ये बहुत बेसिक सा एडवांटेज है यहाँ पर, और इसी के लिए इसको यूज करते हैं, ठीक है। अब डिसएडवांटेज इसका क्या है, देखिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है डिसएडवांटेज को डिस्कस करना। इट हैज ए लिमिट Limitation is knowing patterns and may struggle with unseen or unexpected patterns that are not present in the training data. अब क्या हो रहा है, इसके अंदर मैंने ना डॉग ला लिया, कैट ला लिया, यहां पे ना मैंने चिकन लेके आ गया, अब मैं यहां पे ना गोट लेके आ जाऊंगा, मान लीजिए हॉर्स लेके आ जाऊंगा, ये प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा, ये इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है। क्यों, क्योंकि इसको सुपरवाइज्ड करके एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम सिखा दिया गया है, ठीक है। इसी ड्रॉबैक के कारण हम लोग यहां पर नई कैटेगरी बनाए हैं मशीन लर्निंग के अंदर सुपरवाइज्ड के बाद, जिसको सुपरवाइज्ड ना करना पड़े और वो खुद वहां से काम को करे। आगे हम लोग देखते भी जाएंगे, डिस्कस भी करते जाएंगे, तो एडवांटेजेस के साथ साथ हम लोग यहां पर जो है इसके जो डिसएडवांटेज है उसको भी देखते जाएंगे, ठीक है। इट कैन बी टाइम कंज्यूमिंग, ऑब्वियसली बात है, इतनी सारी इमेजेस को मुझे रीड कराना है, मशीन लर्निंग को ट्रेन करना है, तो टाइम कंज्यूम होगा ही होगा, और जब टाइम लग रहा है तो उसके साथ साथ क्या होगा, कॉस्ट भी मेरा इंक्रीज होगा। और यहाँ पे लेबल डेटा को ये रिलीज करता है, मतलब यूज करता है, ठीक है, मतलब मेरे को डेटा देना पड़ेगा उसको, ठीक है, मशीन लर्निंग को। इट मे हैव अ लीड टू पुअर जनरेशन बेस्ड ऑन न्यू डेटा, न्यू डेटा यदि मैं डाल दूंगा यहाँ पे, जैसे कि हॉर्स आ गया या कोई डेटा आ गया, तो उसको मेरे को वापस से जो है इसको अच्छी तरीके से मशीन लर्निंग को ट्रेन फिर से कराना पड़ेगा, दैट्स वाई प्राइस और कॉस्ट जो है यहां पे बढ़ जाएंगे। लेकिन इसको हम लोग इग्नोर नहीं करते हैं, कई सारी चीजों पे ये काम आता है, इसके एप्लीकेशंस भी यहां पे मेंशन करके मैंने रखे गए हैं, इसको आप देखिए यहां पर। आगे चलकर हम लोग जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे ना हमारी मशीन लर्निंग की चीजों को, तो आप यहां पे मैं आपसे पूछते भी जाऊंगा सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड है, ये सुपरवाइज्ड से कौन से कैटेगरी में, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। इसलिए डे वाइज आपको सीरीज वाइज चीजों को देखना है। इमेज क्लासिफिकेशन एनएलपी मतलब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर ये काम आता है, स्पीच रिकॉग्निशन के अंदर काम आता है, रिकमेंडेशन सिस्टम के अंदर काम आता है, प्रिडिक्टिव एनालिसिस, मेडिकल डायग्नोसिस, फ्रॉड डिटेक्शन, ऑटोनोमस व्हीकल्स, ठीक है, ईमेल स्पैम, ये सब चीजों के अंदर जो काम आता है हमारा, क्या काम आता है, ये सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग काम आता है। यहां पर मैंने एप्लीकेशंस भी आप लोग के लिए यहां पे डाल दिए हैं, ठीक है। अब आप लोगों को मैं वापस से ऊपर वाला जो हमारा डायग्राम है इस पे लेकर चलता हूं। देखिए ये आपका क्या था, सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग था, जो मैंने आपको बताया मशीन लर्निंग के जो फर्स्ट टाइप है वो हम लोगों ने देख लिया सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। इसके दो क्लासिफिकेशन है, माफ करिए दो कैटेगरीज है, एक है आपका रिग्रेशन, दूसरा है हमारा क्लासिफिकेशन। रिग्रेशन के अंदर क्या यूज, कैसे कैटेगरी किया जाता है, कि जैसे कि मैं मान लीजिए यहां पर वेदर की बात कर रहा हूं कि भाई कितना डिग्री वेदर है, न्यूमेरिकल डेटा है। एडवर्टाइजिंग पॉपुलरिटी की भाई एडवर्टाइज कर रहे हैं कि कितनी पॉपुलर है एडवर्टाइजमेंट नंबर ऑफ परसेंटेज के अकॉर्डिंग, तो ये भी क्या हो गया न्यूमेरिकल है, तो देखिए रिग्रेशन है ये, ठीक है। मार्केटिंग फोरकास्टिंग की आपका मान लीजिए सोशल स्टॉक मार्केट है, पूरा के पूरा नंबर्स पे चलता है, ये किस तरीके का कैटेगरी टाइप में आएगा मशीन लर्निंग एल्गोरिथम की, रिग्रेशन में आएगा, ठीक है। वैसे ही आप देखिए यहां पर इमेज क्लासिफिकेशन हो गया, आइडेंटिटी फ्रॉड हो गया कि भाई ये जो आइडेंटिटी है जो यूजर है उसका पैन कार्ड है ये क्या फेक है या सही है, ठीक है। ये सब चीजें जो है आपका जो है क्लासिफिकेशन के अंदर आएगा, जैसे कस्टमर रिटेंशन डायग्नोसिस जो भी चीजें ये इसके अंदर आती है कैटेगरिकल डेटा वाले चीजें, ठीक है। रिग्रेशन के अंदर क्या चीजें आती है हमारी, न्यूमेरिकल चीज आती है। तो हम लोगों ने अच्छी तरीके से यहां पे डिस्कस कर लिया सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम की पहले टाइप को। अब हम लोग चलते हैं अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम की तरफ, ठीक है। तो यहां पर हम लोग सेकंड वाला जो हमारा टाइप है उसको हम लोग यहां पर देखना स्टार्ट करते हैं, वो है हमारा क्या, अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। तो यहां पर मुझे सबसे पहले कमेंट बॉक्स से बताइए कि यहां तक आप लोगों को क्लियर हुआ या नहीं हुआ, और जो लोग लाइव नहीं देख रहे हैं आगे चल के बाद में देखेंगे वो लोग भी मुझे कमेंट बॉक्स से बताइए कि आप लोग को यहां तक समझ में आया या नहीं आया, या कोई डाउट हो तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बाद में भी पूछ सकते हैं, ठीक है।
क्लियर है, एक बार क्लियर लिख दो आप लोग चैट बॉक्स में जाके। ठीक, अब हम लोग ना अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग की तरफ चलते हैं और इसको कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करते हैं कि अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग क्या होता है और कैसे इसको हम लोग जो है यहां पर कैटेगरी वाइज जो है डिवाइड करते हैं। तो अब देखिए अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, ठीक है, क्या हो रहा था कि सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में ना हम लोग को इनपुट भी देना पड़ रहा था, आउटपुट भी देना पड़ रहा था, मतलब एक लेबल डेटा देना पड़ रहा था। अनसुपरवाइज्ड में क्या होता है कि मेरे को ना केवल इनपुट देना होता है, आउटपुट मुझे पता नहीं होता है। ठीक है, मैं आपको ना अच्छी तरीके से यहां पर एक बार एग्जाम्पल को भी दिखा देता हूं जिससे कि आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो पाए क्या हो रहा था। सुपरवाइज्ड के अंदर हम लोग ना यहाँ पे इनपुट भी दे रहे थे और आउटपुट भी दे रहे थे, मतलब एक स्टूडेंट का मैं परसेंटेज बता दे रहा था, ठीक है, और यहाँ पे एक CGPA भी बता दे रहा था कि भाई इतना परसेंटेज इतना CGPA तो इसका प्लेसमेंट होता है या इसका नहीं होता है, मतलब मैं उसको एक आउटपुट डेटा भी दे रहा था किसके अंदर, सुपरवाइज्ड के अंदर। अनसुपरवाइज्ड के अंदर ऐसा नहीं होता है, अनसुपरवाइज्ड के अंदर मैं केवल और केवल ना उसको इनपुट देता हूं और उसके बाद उसको जो है ना आउटपुट नहीं दिया जाता है। ठीक है, ये आपका मेन डिफरेंस होता है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं, इसमें हम लोग कैसे टेक्निक यूज करते हैं और अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग को कैसे हम लोग यहाँ पे एक एल्गोरिथम के थ्रू हम लोग कैसे इसको जो है यूज करते हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग इज अ टाइप ऑफ मशीन लर्निंग टेक्निक इन विच एन एल्गोरिथम डिस्कवर्स पैटर्न एंड रिलेशनशिप यूजिंग द अनलेबल डेटा। जो वहां पे डेटा था लेबल डेटा था, मतलब कि वहां पे इनपुट भी था आपके पास, आउटपुट भी था, तो आपके पास पहले से प्रिडिक्ट हो जा रहा था कि दो स्टूडेंट है, इसका CGPA यहां पे CGPA है, ठीक है, इस स्टूडेंट का CGPA है और इस स्टूडेंट का ये परसेंटेज है। ठीक है, ये मेरे पास इनपुट था और इस इनपुट के थ्रू मेरे पास आउटपुट क्या निकला हुआ था यहां पे कि इसका प्लेसमेंट होगा यस, ठीक है, यहाँ पे प्लेसमेंट होगा यस या प्लेसमेंट होगा नो, ये मेरा क्या था यहाँ पे आउटपुट था। ठीक है, ये मेरा परसेंटेज था, ये दोनों मेरा क्या था इनपुट था कि भाई इसका CGPA 8.0 है, इसका परसेंटेज 73% है और इसका प्लेसमेंट होगा। तो मेरे पास इनपुट भी था, आउटपुट भी था, लेबल डेटा था। यहां पर बात किसकी हो रही है, यहां पर अनलेबल डेटा की हो रही है। ठीक है, तो यही चीज डेफिनेशन में लिखा हुआ है, आपको इजी तरीके से समझते जाना है रियल टाइम एग्जांपल के थ्रू। ठीक है, कोई बहुत टफ चीज नहीं है मशीन लर्निंग, पहले क्लास से एकदम क्लियर रहो। अनसुपरवाइज machine learning is a type of machine learning technique in which an algorithm discover pattern and relationship using unlabeled data। समझ में आ गया आपको कि इसको खुद एक algorithm discover करना पड़ता है machine learning में relationship बनाने के लिए unlabeled data में। unlabeled data क्या, ये भी मैंने आपको बता दिया। unlike supervised learning, unsupervised learning does not involve the providing the algorithm with labeled target outputs। the primary goal of unsupervised learning is often to discover hidden pattern, जैसे कि इन दोनों के बीच patterns क्या है, ये वो जो है आपका जो रिलेशनशिप उसमें फाइंड करेगा, सिमिलरिटी क्या है, क्लस्टरिंग है क्या डेटा के अंदर, यूज्ड ऑफ द वेरियस पर्पस के थ्रू जो है यहां पर जो है वो पूरा की पूरा जो मशीन लर्निंग है वो यहां पे काम करेगा। ये मेन डिफरेंस होता है हमारा अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के अंदर। ठीक है, अब देखो इसके ना जस्ट ए मिनट, इसके ना मेनली जो अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग है उसके टोटली चार पार्ट होते हैं। एक क्लस्टरिंग होता है, एक डायमेंशन रिडक्शन होता है, एनोमली डिटेक्शन होता है और एसोसिएशन रूल लर्निंग होता है। एक एक करके मैं आप लोग को यहाँ पे डिस्कस करूंगा सारे के बारे में। पहले अनसुपरवाइज्ड और सुपरवाइज्ड के दोनों का डिफरेंस को आपने समझ लिया। अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम जो होता है ना, इसमें ये जो है पॉपुलर एल्गोरिथम है जिसको जो टॉपिक्स एक्चुअल है मशीन लर्निंग के, इसको हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। के मीन्स क्लस्टरिंग, KNN पढ़ेंगे हम लोग आगे चल के। ठीक है, एनोमली डिटेक्शन क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगा, उसको आगे चल के और डेप्थ में डिस्कस करेंगे, पूरा टॉपिक होता है न्यूरल नेटवर्क्स। ठीक है, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस कैसे करते हैं, ये सब चीजें जो होती है अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के अंदर आती है। ये अभी आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, केवल इस वर्ड से जो आपके जो के मीन्स क्लस्टरिंग, KNN जो है, इन सब चीज के जो वर्ड है आपको नए नए लगे करके मैं यहाँ पर आप लोग को एक इंट्रोडक्शन देते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, अब देखो क्या होता है इस डायग्राम के थ्रू समझो सुपरवाइज लर्निंग के अंदर। ठीक है, अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के अंदर क्या होता है, पहले सुपरवाइज्ड का डायग्राम देखो आप लोग, है ना, क्या होता था सुपरवाइज्ड के अंदर जो हम लोगों ने देखा, ये देखिए मैं पहले आपको क्या बताया था, एक सुपरवाइजर की जरूरत पड़ती है, ये मेरा सुपरविजिटर है। ठीक है, मेरे पास इनपुट डेटा है, ठीक है, इनपुट डेटा से मेरे को आउटपुट निकालना है कि नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हैं इसमें, नंबर ऑफ मैंगोस कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को सुपरवाइज्ड लग रहा है, सुपरवाइजर लग रहा है, जिसको मैं सुपरवाइजर बोल रहा हूँ। ठीक है, क्या कर रहा है, ये ट्रेनिंग कर रहा है डेटा सेट की और इसको जो है डिजायर आउटपुट भी दे रहा है, मतलब इनपुट भी दे रहा है, आउटपुट भी दे रहा है और ट्रेंड करा रहा है। ठीक है, इस
कहां पे दे रहा है, ये एल्गोरिथम पे दे रहा है, ठीक है, फिर प्रोसेसिंग हो रहा है, देन मुझको आउटपुट मिल रहा है। ये कहां पे हुआ, सुपरवाइज्ड के अंदर, लेबल डेटा मिला, इनपुट और आउटपुट दोनों देना पड़ा। अब सुपरवाइज का डायग्राम यहां पे क्या बोल रहा है, सुपरवाइज का डायग्राम ये बोल रहा है कि भाई मुझे तो यहां पे डिटेक्ट करना है कि एप्पल है, मैंगो है, बनाना है, जो भी है, ठीक है। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, इंटरप्रिटेशन कर रहा हूं, वो जो सुपरवाइजर है उसको हटा दिया क्योंकि मेरे पास यहां पे अननोन आउटपुट है, यहां पे नो ट्रेनिंग डेटा सेट है, कि मेरे पास ना कोई डेटा सेट है, जैसे मैंने 1000 यूजर का डेटा सेट दिया था सुपरवाइज के अंदर कि भाई स्टूडेंट प्लेस हुए नहीं हुए, ये आप मेरे को देख के बताओ, अनसुपरवाइज के अंदर मैंने कुछ नहीं दिया है, इसको क्या करना है, इंटरप्रिटेशन करना है, उसके अंदर की रिलेशनशिप ढूंढना है। इस तरीके के मॉडल ट्रेनिंग को हम लोग अनसुपरवाइज ट्रेनिंग मॉडल कहते हैं। आपको ये क्लियर क्लियर हो जाना चाहिए, तभी आपके फंडामेंटल्स क्लियर होते जाएंगे, आगे की चीजें समझ में आते रहेगी, ठीक है। इस तरीके से हम लोग यहां पे सुपरवाइज और अनसुपरवाइज के दोनों को डिफरेंस को समझ गए, दोनों के यूजेस को समझ गए। अब हम लोग अनसुपरवाइज जो मशीन लर्निंग है ना, उसके टोटल ना 4 टाइप्स होते हैं, उसको हम लोग यहां पे देखेंगे, ठीक है। उसके पहले हम लोग एडवांटेज डिसएडवांटेज और इसके एप्लीकेशंस भी देख लेते हैं। सुपरवाइज्ड के यहां पे कुछ लिखे गए, इट हेल्प्स टू डिस्कवर हिडन पैटर्न एंड वेरियस रिलेशनशिप बिटवीन द डेटा। ऑब्वियसली बात है, इसको डिस्कवर करना पड़ेगा क्योंकि इसको आउटपुट दिया नहीं जाता है, किसको, अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग मॉडल को। यूज ए टास्क सच ए कस्टमर सेगमेंटेशन, एनोमली डिटेक्शन एंड डेटा एक्सपोर्टेशन। ये आपको भी मैं थोड़े बताऊंगा कि ये कस्टमर के सेगमेंटेशन को समझते हुए जो आपका जो टास्क है उसको यहां पे करके दे देता है आपको, ये इसका एडवांटेज पॉइंट है। इट डज नॉट रिक्वायर्ड ए लेबल डेटा, ऑब्वियसली बात है, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया, लेबल डेटा मतलब इनपुट आउटपुट की जरूरत नहीं होती है। एंड रिड्यूस द एफर्ट ऑफ डेटा लेबलिंग, ऑब्वियसली बात है, खुद ही काम करेगा, इतना स्मार्ट मशीन लर्निंग एल्गोरिथम होगा तो उसको जो है यहां पे एफर्ट आपको जो है डेटा लेबलिंग में ज्यादा नहीं डालना पड़ेगा, ये एडवांटेज होगा। अब इसके भी कुछ डिसएडवांटेज है, ठीक है, मैं आपको ये डिस्कस करता हूं ताकि आपको आगे और जो दो टाइप है वो समझ में आए, ठीक है। विदाउट यूजिंग लेबल इट मे बी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द क्वालिटी ऑफ मॉडल आउटपुट। क्या होता है जब आपके पास लेबल्स नहीं होता, ठीक है, तो आपको काफी डिफिकल्टी होती है प्रिडिक्टिव करने पे मॉडल के आउटपुट पे, और वहां पे एरर्स भी आते हैं, ठीक है। दूसरा, क्लस्टरिंग इंटरप्रिटेशन मे नॉट बी क्लियर एंड मे नॉट बी द मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो आगे चल के ध्यान में ये दिया गया कि भाई क्यों ना मैं ना कुछ सुपरवाइज को यूज कर लू, कुछ अनसुपरवाइज को यूज कर लू, और थर्ड कैटेगरी में कर लू सेमी सुपरवाइज, जो अभी हम लोग थोड़े देर में देखेंगे आगे चल के, ठीक है। इसलिए हम लोग यहां पे सुपरवाइज और अनसुपरवाइज को देखे, फिर हम लोग आगे चलेंगे देखेंगे। थर्ड यहां पे देख लेते हैं डिसएडवांटेज क्या है। इट हैज अ टेक्निक सच एज ऑटो एनकोडर एंड डायमेंशनल रिडक्शन दैट कैन बी यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट मीनिंगफुल फीचर्स ऑफ द रॉ डेटा। हम लोग को क्या है ना, डायमेंशनल रिडक्शन में भी आपको बताऊंगा, उसके थ्रू हम लोग को ना जो एक्सट्रैक्ट है मीनिंगफुल जो डेटा है रॉ डेटा, उसके जो टेक्निक्स है उसको बहुत ज्यादा ना ऑटो एनकोड करना पड़ता है, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली बात है यार, इसके पास आउटपुट है नहीं, केवल इनपुट है, और इसके इससे हमको काम कराना है, तो ऑब्वियसली बात है थोड़ा सा क्रिटिकल होगा ही होगा ये, है ना। और इसके अंदर इसके एडवांटेज पॉइंट क्या है कि इसको लेबल डेटा नहीं देना पड़ता है, ठीक है, ये इसका एडवांटेज है। और ये जो है हमारा, इसके जो एप्लीकेशंस हैं जैसे क्लस्टरिंग, एनोमली डिटेक्शन, डायमेंशनल रिडक्शन, ये सब नाम आपको नए नए लग रहे होंगे, अभी थोड़ी देर में आपको नए नहीं लगेंगे। इमेज एंड वीडियो कंप्रेशन, ठीक है, डेटा की प्री प्रोसेसिंग में काम आता है। मार्केट बेस्ड एनालिसिस, मार्केट बेस्ड एनालिसिस में आपको पता नहीं होता है, ठीक है, स्टॉक मार्केट में पता नहीं होता आगे क्या होने वाला है, ठीक है, आपको इनपुट मिलता है तो आप उस इनपुट के थ्रू ही मशीन को ट्रेन करते हो, तो यहां पर इस तरीके की चीजों एप्लीकेशन है इसमें ये काम आता है। तो चलो हम लोग अनसुपरवाइज्ड लर्निंग ही पढ़ रहे हैं अभी हम लोग, है ना, सेमी सुपरवाइज्ड पे नहीं गए अभी हम लोग ने, सुपरवाइज्ड पढ़ा है। अनसुपरवाइज्ड के अंदर जो उसके मेन 4 कैटेगरी होती है, क्लस्टरिंग, डायमेंशनल रिडक्शन, एनोमली डिटेक्शन, यहां पे लिखा हुआ है, देखिए मैं हाईलाइट भी करते हुए चलता हूं। जो 4 टाइप है हम लोग एक एक करके देखेंगे, पहला है क्लस्टरिंग, दूसरा डायमेंशनल डिडक्शन, तीसरा एनोमली डिडक्शन, चौथा है हमारा एसोसिएशन रूल लर्निंग, ठीक है। ये चारों टाइप को हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जो अभी आप लोग को यहाँ पे यही वर्ड दिखे थे, ठीक है, यहाँ पर आप लोग को यही वर्ड दिखे थे, यही मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्लस्टरिंग क्या है। ये देखिए क्लस्टरिंग, एनोमली डिडक्शन, डायमेंशनल डिडक्शन, ठीक है, ये सब चीजों पर ये काम आता है ना, क्या, अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। तो अभी हम लोग क्या क्या चीज देखे हुए हैं, कंक्लूड करते हुए चलेंगे, आपको आगे से कुछ याद नहीं करना है, कुछ मगअप करके नहीं रखना है, ठीक है, आपको यहां पे चीजें पती होनी चाहिए। क्या क्या पढ़े हम लोग, सुपरवाइज्ड पढ़े हैं, सुपरवाइज्ड के अंदर 2 चीज पढ़े हैं, यहां पर रिग्रेशन पढ़े हैं, ठीक है, और यहां पे क्या पढ़े, क्लासिफिकेशन पढ़े हैं। पहले नंबर का मशीन लर्निंग का टाइप था ये, दूसरा मशीन लर्निंग टाइप अभी हम लोग पढ़ रहे हैं अनसुपरवाइज्ड, कुछ भी यहाँ पे याद नहीं करना है, हर चीज हमको समझते हुए चलना है। इसकी 4 टाइप है, पहला है क्या, क्लस्टरिंग, ये तो दिख रहा है, दूसरा क्या है यहाँ पे, डायमेंशन रिडक्शन, तीसरा क्या है यहाँ पर, एनोमली डिटेक्शन, फोर्थ क्या है यहाँ पर, एसोसिएशन रूल लर्निंग। इसके अलावा हम लोग और कौन से 2 टाइप पढ़ेंगे आगे चल के, अभी ये चारों को एक एक करके देखते हैं, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेमी सुपरवाइज्ड पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, कोई भी चीज आपको ना यहाँ पे याद नहीं रखनी है, ठीक है, समझते हुए चलना है, अपने आप चाहिए याद होते रहेगी। पहला हम लोग देखते हैं क्लस्टरिंग क्या होता है, क्लस्टरिंग के अंदर, ठीक है, अनसुपरवाइज्ड के अंदर
बहुत इजी सी चीज है, इट्स बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी बिटवीन देम, लेट्स अंडरस्टैंड बाय एग्जांपल। अब भाई इसको इनपुट हमने दे दिया, अब इनपुट के थ्रू हम लोग क्या कह रहे हैं कि हमको एक कैटेगरी वाइज जो है क्रिएट करके दो, क्या कि एक कार्ट है, इस कार्ट के अंदर कलर के थ्रू यदि मैं एक कैटेगरी क्रिएट करता हूं, ठीक है, यदि मैं शेप के थ्रू एक कैटेगरी क्रिएट करता हूं, जैसे कि ये रेक्टेंगल है, ये सर्कल है, या साइज के अकॉर्डिंग ये जो है छोटा है, ये थोड़ा बड़ा है, ये लार्ज है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग करता हूं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लस्टरिंग कहते हैं। जैसे कि मैं आपको यहां पर इसी एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं, ठीक है, कि यहां पर मेरे पास 1000 स्टूडेंट का डेटा है, ठीक है, इस स्टूडेंट के डेटा में मैं ये बोल रहा हूं कि मैं कुछ ग्रुप बना दूंगा, ठीक है, मेरे पास इनपुट है, आउटपुट है, इस 1000 स्टूडेंट में मैं कुछ ग्रुप बनाना चाहता हूं, ठीक है, कि एक ग्रुप है, ठीक है, एक्स एक्सेस है, मान लीजिए यहां पर क्या है मेरे पास, परसेंटेज है, वाई एक्सेस है, पैकेज है, ठीक है, एक ऐसा स्टूडेंट का ग्रुप मैं बनाना चाहता हूं और इस मशीन लर्निंग के अंदर मैं डाल के आउटपुट लेना चाहता हूं, इस तरीके के मॉडल को हम लोग क्या कहेंगे, क्लस्टरिंग कहेंगे। जैसे कि एक ऐसा ग्रुप मैं बना देता हूं, ठीक है, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस के अंदर, और यहां पर जाके मैं ना एक ऐसा मॉडल बना देता हूं, ठीक है, इस तरीके का एक मॉडल बना देता हूं, है ना, कि ये एक ग्रुप है ए, ये है ग्रुप बी और ये है ग्रुप सी, जो आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। यहां पर मैं बोलूंगा कि मैक्सिमम परसेंटेज और मिनिमम पैकेज वाले कितने स्टूडेंट है, इनका एक ग्रुप बना के दो इस डेटा में से। यदि मैं बोलूंगा कि मिनिमम परसेंटेज है लेकिन मैक्सिमम पैकेज है, ऐसे कितने स्टूडेंट है, इनका एक ग्रुप बना के दो। यहां पे तीसरा ग्रुप में बनाना चाहूंगा कि मैक्सिमम परसेंटेज भी हो, मैक्सिमम पैकेज भी हो, ऐसे कितने स्टूडेंट है, इसका मेरे को ग्रुप बना के दो 1000 में। इस तरीके के कैटेगरी को हम लोग क्या कहते हैं, यहां पर क्लस्टरिंग कहते हैं। आसान सी भाषा में समझते जाइए, अनसुपरवाइज्ड के अंदर क्लस्टरिंग किसे कहते हैं, ठीक है, ये आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। यहां पर जैसे कि कार्ट का जो एग्जांपल है, इस पे भी आप समझ सकते हो कि कार्ट में मैं बाय कलर, बाय शेप और बाय साइज एक ग्रुपिंग टाइप का मैं बनाता हूं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लस्टरिंग कहते हैं। मतलब इट्स बेसिकली ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी बिटवीन देम, इन दोनों के बीच सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, कलेक्शन बनाते हैं ऑब्जेक्ट का, ये है हमारी क्लस्टरिंग, ठीक है। सेकेंड हमारी जो टाइप है वो है हमारा डायमेंशनल रिडक्शन, इसको हम लोग देखते हैं। और ये सब किसके अंदर आते हैं, हमारा जो कह लें अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग है उसके अंदर का ये पार्ट टाइप है, ठीक है। वहां पे क्या देखे थे, रिग्रेशन देखे थे, है ना, और क्या देखे थे, क्लासिफिकेशन देखे थे। मैं बार बार रिपीट भी क्यों करते जा रहा हूं, जिससे कि आपको कोई भी चीज जो है यहां पर भूलना नहीं है, ठीक है, याद रखते जाना है, ठीक है, समझते हुए याद रखना है। वो भी अनसुपरवाइज के अंदर हम लोग देखते हैं डायमेंशनल रिडक्शन। डायमेंशनल रिडक्शन क्या होता है ये हम लोग यहां पर देखते हैं। तो पहले हम लोग डेफिनेशन यहां पर पढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर डायमेंशनली रिडक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है। डायमेंशनल रिडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ फीचर्स और डायमेंशंस इन द डेटा सेट व्हाइल रिटेनिंग एज मच इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल। क्या है, नाम से क्लियर है कि हम लोग को क्या करना है, रिड्यूस करना है, क्या हमारा वो डेटा सेट में से वो चीज जिसकी हम लोग को ना इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, रिटेन करना है हम लोग को इंफॉर्मेशन, जितना ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्या कहें इसको, जितना इंफॉर्मेशन को हम लोग पॉसिबल हो सके उतना रिटेन करें, ठीक है। यही काम करता है हमारा डायमेंशनल रिडक्शन। क्यों, क्योंकि देखो क्या है ना यार, जितना ज्यादा मशीन लर्निंग के अंदर हम लोग डेटा डालते जाएंगे उतना ज्यादा हमारा जो डेटा जो है ना, मशीन लर्निंग मॉडल जो है ना, कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ डेटा जिसकी जरूरत नहीं होती है हमारे मशीन लर्निंग मॉडल को, इस तरीके का हम लोग मशीन लर्निंग मॉडल डेवलप करते हैं। वो जो टाइप आता है वो किसके अंदर आता है, डायमेंशनल रिडक्शन के अंदर आता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आप लोग को यहां पे डिस्कस करते हुए चलता हूं। देखिए जैसे ये मान लीजिए डेटा है, ठीक है, इस डेटा के अंदर ना कुछ एक मान लीजिए कुछ बीट का डेटा है, ठीक है, मान लीजिए यदि ये 16.25 MB का डेटा है, ठीक है, और यदि आप फेसबुक के इंटरव्यू में बैठे हो और आप जाके इस डेटा सेट में बोल रहे हो कि ना मैं ना इस डेटा सेट को ना क्या कर सकता हूं, इस डेटा सेट को ना मैं ना बना सकता हूं, कितना बना सकता हूं, इस डेटा सेट को ना मैं ना 16.00 MB का बना सकता हूं, ठीक है। यदि आप फेसबुक के इंटरव्यू में जाके ये बोल रहे हो कि मैं इस डेटा सेट को इतना एमबी कम कर सकता हूं, कितना कम कर सकता हूं, केवल और केवल 0.25 MB कम कर सकता हूं, तो आपको यहां पर क्या रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा, बताइए। केवल 0.25 की बात है, मुझे कमेंट बॉक्स से बताइए कि आपको रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा। ऑब्वियसली बात है, बहुत लोग बोलेंगे यार सर बहुत 0.25 ही तो मैं बचा दे रहा हूं एमबी, ठीक है यार, ये ना बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि ना फेसबुक ना पर
सेकेंड पर एमबी के अकॉर्डिंग ना पेड करता है अपने डेटा के लिए, जिसके लिए ये बहुत वैल्यू होता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में जाता है ना, कंपाउंडिंग फॉर्मेट में जाता है ना, ये बहुत बड़ा डेटा निकलता है, ठीक है। दैट्स वाई हम लोग को मशीन लर्निंग के अंदर डायमेंशनल रिडक्शन, मतलब जो डायमेंशन को कम करते हुए लेके चलना है, डेटा को ना अननेसेसरी, जिस डेटा की जरूरत नहीं है उस तरीके के मॉडल को हम लोग तैयार करते हैं, उस तरीके के टाइप को हम लोग डायमेंशनल रिडक्शन के अंदर लेके आते हैं। देखिए जैसे मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ, ठीक है। Many input columns is not required in the algorithm, it's remove extra column. ये example है हमारा। जैसे कि मैं एक ना data है मेरे पास, जिसमें मेरे पास type of room लिखा हुआ है, इसमें number of room लिखा हुआ है 3, ठीक है। room की size क्या है, bedroom है, washroom है, kitchen है, 3 bedroom है, room की size है कितना, 10 इंटू 5 का एक रूम है, मतलब 10 बाई 15 फीट का एक रूम है, 10 बाई 10 फीट का एक रूम है, और 10 बाई 12 का एक रूम है, 3 बेडरूम है मेरे पास। उसके बाद मैं बोलता हूं मेरे इसी डेटा में लिखा हुआ है वॉशरूम है, 2 वॉशरूम है, जिसकी जो साइज है वो क्या है यहाँ पर, उसकी साइज है यहाँ पर 6x6, 6x8। एक किचन है बोल रहा हूं जिसकी साइज है 10.8, ठीक है। तो ये जो डेटा है ना काफी अलग अलग रो बन गया। तो क्या इस डेटा को मैं एक डायमेंशनल रिडक्शन करके यही कर सकता हूं कि भाई मैं बोल रहा हूं कि टोटल बेडरूम का स्क्वायर फीट कितना है, 370 स्क्वायर फीट है, वॉशरूम का स्क्वायर फीट 84 है, और किचन का स्क्वायर फीट 80 स्क्वायर फीट है, ना कि मैं इस तरीके से नंबर ऑफ रूम बताऊं और नंबर ऑफ रूम के साइजेस बताऊं। तो मैंने क्या किया, डेटा को यहां पे रिड्यूस किया है, और ये जो डेटा है ना नंबर ऑफ स्क्वायर फीट टोटल, ये मैं किसी भी मशीन लर्निंग मॉडल को दे रहा हूं, ठीक है। ये होता है हमारा डायमेंशनल रिडक्शन, और ये बहुत ही जरूरी चीज है जब आप किसी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को तैयार करते हो, प्रिपेयर करते हो, मॉडलिंग करते हो, तो आपको ये चीजों का ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो आपको यहां पे डायमेंशनल रिडक्शन समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग एनोमली डिटेक्शन के अंदर। नाम से क्लियर हो जाता है ना, याद नहीं रखना है, ठीक है। क्लस्टरिंग हमने पढ़ लिया, ग्रुपिंग बनाते हैं, क्लस्टर्स बना देते हैं हम लोग ग्रुप्स का। डायमेंशन रिडक्शन से तो एकदम नाम से क्लियर है कि आपको डायमेंशन को रिड्यूस करता है, एनोमली डिटेक्शन भी वही है, ठीक है। ये क्या करता है कि पहले डेफिनेशन को पढ़ते हैं, थर्ड हमारा जो है, एनोमली डिटेक्शन इज अ मशीन लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई सच एनोमलीज इन द डेटा सेट। एक ऐसा डेटा सेट, जैसे मान लीजिए एक डेटा सेट है, ठीक है, इस डेटा सेट में एक ग्रुप है, एक ग्रुप में एक स्टूडेंट है जो एकदम नॉर्मल अलग सा है, ठीक है, जो किसी में भी सेट नहीं हो रहा है, ए बी सी ग्रुप में किसी भी सेट नहीं हो रहा है। इसको हम लोग क्या करेंगे कि ये ऐसा डिटेक्ट करेगा कि वो जो है ना इन तीनों ग्रुप का पार्ट नहीं है, एनोमली डिटेक्शन इसको बोलते हैं, ठीक है। यही यहां पे दिखाया गया है, देखिए एनोमली है, ये अलग से यहां पे बना हुआ है ये डेटा, माफ करिए ये सर्कल हो गया, ये सर्कल, ये सर्कल, ये सर्कल, ठीक है। ये डिफाइन करने का तरीका है, ठीक है। एनोमली है, ये सिंगल सिंगल है, और ये एनोमलीज है, मतलब नंबर ऑफ ऐसे ही लोग हैं जो एक तरफ से बने हुए हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, डिटेक्ट करना करते हैं, इसको एनोमली डिटेक्शन कहते हैं। यही हमारे डेफिनेशन में लिखा गया है, एनोमली डिटेक्शन इज अ मशीन लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई सच एनोमलीज, ठीक है। वो लोग जो कि नॉर्मल से थोड़ा सा अलग है, अलग तरीके से रिजल्ट शो कर रहे हैं, ठीक है। इन द डेटा सेट एनोमली डिटेक्शन इज ए इंपॉर्टेंट टेक्निक ऑफ द लर्निंग एंड डेटा माइनिंग, इट कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट द अनयूजुअल बिहेवियर। क्या होगा यदि इस तरीके से एनोमली डिटेक्ट हम लोग नहीं करेंगे अपनी मशीन लर्निंग के इस तरीके के मॉडल में, तो क्या होगा, हमारा जो मशीन लर्निंग मॉडल डिटेक्ट कैसे करेगा, अनयूजुअल बिहेवियर देगा, ठीक है। तो हम लोग आइडेंटिफाई एरर नहीं कर पाएंगे, डिस्कवर नहीं कर पाएंगे लार्ज डेटा सेट में। दैट्स व्हाई इस तरीके की कैटेगरी को डेवलप करते हैं, टाइप जो होती है वो एनोमली डिटेक्शन की कैटेगरी होती है, ठीक है। आपको यहां पर इसको समझते हुए चलते जाना है कि कभी भी आप जब मशीन लर्निंग मॉडल बनाए तो इसकी टाइप्स कौन कौन सी हो सकती है, जिसको अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज के लेक्चर में। दूसरा है हमारा एसोसिएशन रूल लर्निंग। एसोसिएशन रूल लर्निंग रूल माइनिंग इज अ टेक्निक यूज टू अनकवर हिडन रिलेशनशिप बिटवीन इन वेरिएबल्स इन लार्जर डेटा सेट, ठीक है। एसोसिएशन रूल लर्निंग क्या होता है कि मैंने ना कुछ प्रोडक्ट्स हैं या कुछ टेक्निक्स हैं जो ना जिनके बीच जो रिलेशनशिप है ना वो अनकवर है, ठीक है, वो हिडन है, ठीक है, लेकिन उसके पीछे ना उसकी जो रूल है उसके बीच का मैं एसोसिएशन लर्न कराना होता है किसी मशीन लर्निंग को, ठीक है। मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूं, जैसे कि मैं स्टडी करता हूं मैनी परचेस प्रोडक्ट शॉपिंग कार्ट के अंदर, ठीक है। इस शॉपिंग कार्ट में एक जो मेरा कस्टमर है उसने मिल्क लिया, ठीक है, ब्रेड लिया, एक कस्टमर है इसने मिल्क लिया, ब्रेड लिया, शुगर लिया, एग लिया, ठीक है। इस कस्टमर ने क्या लिया, मिल्क लिया, ब्रेड लिया, बटर लिया, ठीक है, और एक स्टूडेंट, एक जो कस्टमर एन है वो शुगर और एग्स ले रहा है। तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, इसकी पॉसिबिलिटी ये है कि ये मिल्क और ब्रेड ऑब्वियस सी बात है लेगा, क्योंकि देखो ये कॉमन है यहाँ पे मिल्क ब्रेड यहाँ भी मिल्क ब्रेड और यहाँ पे शुगर एग्स है, ठीक है। तो ये इससे क्या करेगा, रिलेट कर पाएगा, ठीक है। इसको ही हम लोग बोलते हैं कि इसके बीच ना एक अनहिडन रिलेशनशिप है। हम लोग शॉपिंग मार्ट में जाते हैं, जैसे कि बिग बाजार, वॉलमार्ट, ठीक है, जिसमें भी हम लोग यहाँ पे जाते हैं,
तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पे जो हमारे जो आइटम जो पब्लिश होते हैं, जो हमारी गैलरीज में आइटम्स रखे होते हैं, वो इस तरीके से रखे होते हैं कि हम लोग को जिस चीज की जरूरत होती है, ठीक है, उसके साथ साथ उसकी पर्टिकुलर रिलेटेड रिलेशनशिप वाली चीज रखी जाती है। जो हमारा डेटा या फिर हमारा जो डेटा एनालिसिस का जो काम होता है, किसी भी बिजनेस एनालिसिस का, ठीक है, वो यही काम करते हैं। आपको समझ में भी आते जा रहा होगा कि क्यों, किस बिजनेस प्रॉब्लम को हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं यहां पर। तो इस तरीके से हम लोग यहां पर एसोसिएशन रूल लर्निंग को भी समझ सकते हैं। एसोसिएशन रूल लर्निंग माइनिंग इज अ टेक्निक यूज टू अनकवर हिडन रिलेशनशिप। जब हमको अनकवर हिडन रिलेशनशिप ढूंढनी होती है तो इस तरीके के टाइप को यूज किया जाता है, जो होती है एसोसिएशन रूल लर्निंग का। एक बहुत अच्छी चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है, मैं ना आज से कुछ दिन पहले एक वेबिनार में वेबिनार अटेंड किया था, जो थी हमारी माइक्रोसॉफ्ट गूगल की थी, अमेजोन की थी, जो बेसिकली मुझे एक मेरे प्रोजेक्ट ऑफिस प्रोजेक्ट के थ्रू मुझे मिली थी वेबिनार। बहुत अच्छी वेबिनार थी, जो डायरेक्ट सैन फ्रांसिस्को के थ्रू वहां पे लाइव चल रही थी। उसमें हम लोग फ्यूचर की क्या बात कर रहे थे, ठीक है, जिसमें एसोसिएशन रूल लर्निंग की क्या बात कर रहे थे मशीन लर्निंग के अंदर। जैसे कि ना अभी हमारा ये बेसिकली हमारे करिकुलम का पार्ट नहीं है, ये मैं आपको बेसिकली एक जनरल इन्फॉर्मेशन बता रहा हूं, मुझे याद आ गया। तो देखिए क्या था कि उस वेबिनार में बात हम लोग किस चीज की कर रहे थे। जैसे मान लीजिए शॉपिंग मार्ट है, ठीक है, ये हमारा शॉपिंग, ये मान लीजिए वॉलमार्ट है, ठीक है, या बिग बाजार है, कोई भी एक स्टोर है हमारा, ठीक है, या विशाल में जो भी आप मान लो एक हमारा स्टोर है, ठीक है। यहाँ पे मेरे जो प्रोडक्ट है, ठीक है, रखे होते हैं, जैसे भी आप देखते हैं मिल्क रखा हुआ है, ठीक है, इसके बाजू में यहाँ पे मान लीजिए ब्रेड रखा हुआ है, तो मैं पॉसिबिलिटी ये रहती है अभी कि हमारे जो सेल्स पर्सन होते हैं यहाँ पर ही ना जाके बटर रख दें, ठीक है, यहां पर ही बटर रख दें, यहां पर ही ना एग्स रख दें, ठीक है, ताकि वो एक दूसरे से रिलेटेड हो, ठीक है। अब ये क्या होता है, हमारे अभी होता है, ठीक है, ये अभी हम लोग कैसे करते हैं इस प्रोसेस को हम लोग करते हैं मैन्युअली, ठीक है। हमारे सेल्स पर्सन जाते हैं उस वॉल, उस जो साइज है, उस जो शॉपिंग मार्ट है, उसकी जो गैलरी है, उसको इस तरीके से डिजाइन कर देते हैं। अब थोड़ा फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, ठीक है। अब मान के चलो कि ना इस जो मैं वेबिनार की बात कर रहा हूँ, वेबिनार में हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे कि क्या ऐसा मशीन लर्निंग मॉडल हो सकता है, जिसमें सैन फ्रांसिस्को से डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट गूगल के एक्सपर्ट्स थे, जो डिस्कशन जिस टॉपिक में चल रहा था, वो फ्यूचर किस तरीके से सोचा जा रहा था, वो मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे मान लीजिए इसी शॉपिंग मार्ट के गेट में, ठीक है, कुछ ऐसे लोग एंटर किए, ठीक है, जिसकी एज ना 24 ईयर्स है, कुछ ऐसे लोग किए जिसमें ना वुमेन है, ठीक है, और ये जो वुमेन्स है ना, ये सेकेंड टाइम आ रही है, ठीक है, और सेकेंड टाइम आने के बाद इनकी पेइंग कैपेसिटी 5000 है, ठीक है। इसके जो लास्ट जो स्टोर विजिट है, ठीक है, उसके थ्रू मुझे पता चल रहा है इसके क्या डेटास। तो क्या हो रहा है, ये जो मेरा जो पूरा की पूरा ये जो गैलरी है, जिसको भी मैनुअली रखा जाता है, ये अपने आप क्यों ना मेरी मशीन अपडेट कर दे, मतलब कि मेरा जो मिल्क है वो पीछे चले जाए, और ये जो 24 इयर्स वाले जो है वो चाहते हैं कि मैं कोल्ड ड्रिंक लूं पहले, ठीक है, या बियर लूं पहले, तो वो आगे आ जाए। तो मेरे मार्ट के अंदर जिस तरीके की ऑडियंस है, उस तरीके से जो मेरी गैलरी है वो अपने आप अपडेट हो जाए, जो मेरा प्रोडक्ट है वो आगे पीछे हो जाए अपने आप ऑटोमेशन के थ्रू, मतलब मशीन जो है उसको आगे कर देगी और पीछे कर देगी। जैसे हमारी अभी वेंडिंग मशीन के अंदर होता है, क्या होता है, हम लोग 10 रुपीज डालते हैं वेंडिंग मशीन, हम लोग को 10 रुपीज के अकॉर्डिंग जो हम लोग टच करते हैं वो हम लोग को क्या हो जाता है, आउटपुट मिल जाता है, लेस कुरकुरे के जो भी वेफर्स है वो हमको मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या, पूरे की पूरी जो गैलरी है वो मेरे ऑडियंस के अकॉर्डिंग ऑफलाइन स्टोर में अपडेट हो जाएगी, बिकॉज यदि हो सकता है कि बच्चे आए, तो जो बच्चे के अकॉर्डिंग मेरी अभी ऑडियंस एंटर है मेरे वॉलमार्ट के अंदर, मेरे स्टोर के अंदर, वो ऑडियंस के अकॉर्डिंग मेरी गैलरी की अपडेट हो सकती है मशीन लर्निंग मॉडल के थ्रू। मतलब उसको जाके कोई ह्यूमन ऐसे चेंज नहीं करेगा कि यहां पे मैं ये चीज रखूं, यहां पे मैं ये चीज रखूं, डायरेक्ट मशीन जो है अपने आप विद इन 2 मिनट्स, विद इन 5 मिनट्स के अंदर पूरे के पूरे जो गैलरीज है उसको अपडेट कर देगी, पूरे के पूरे मशीन अपने आप हार्डवेयर जो अपने आप अपडेट होते जाएंगे, और हार्डवेयर के अकॉर्डिंग मेरी जो गैलरी अपडेट होते जाएगी। ये समझिए, ये फ्यूचर हो सकता है, ठीक है, जिसके बारे में अभी थिंक किया जा रहा है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सैन फ्रांसिस्को के अंदर। ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा था मेरे इस लाइव क्लास के अंदर, जो हमारे टॉपिक का पार्ट नहीं है, हम लोग कुछ किससे भी इस तरीके से लेते हुए चलेंगे, जिससे कि हमारी पूरी क्लास जो है इंटरेस्टिंग होते रहे, ठीक है। तो ये मैंने उस वेबिनार की बात बताया, तो अभी हम लोग कंक्लूड करते हैं, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। हम लोगों ने
दो चीजें पढ़ ली है, सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड पढ़ लिया है। सुपरवाइज्ड के अंदर हम लोगों ने दो कैटेगरी पढ़ ली है और अनसुपरवाइज्ड के अंदर हम लोग इसकी जो चार जो सब कैटेगरीज है उसको भी हम लोगों ने यहां पर देख लिया है। अब हम लोग चलते हैं हमारे थर्ड मशीन लर्निंग पे, वो है हमारा सेमी सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग मॉडल। देखिए मैं आपको रिवाइज करते हुए लेके चलता हूं, है ना, कुछ भी चीज याद नहीं रखना है। हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक, मशीन लर्निंग क्या होती है जो आज का टॉपिक था, हाउ वाज मशीन लर्निंग इन्वॉल्व, हिस्ट्री क्या है मशीन लर्निंग की, मशीन लर्निंग डीप लर्निंग एआई में क्या डिफरेंस है, डेटा साइंस डेटा एनालिटिक्स मशीन लर्निंग में क्या डिफरेंस होता है, डेटा साइंस अम्ब्रेला की तरह क्यों बोलते हैं उसको, टाइप ऑफ मशीन लर्निंग अभी हम लोग पढ़ रहे हैं जिसमें से दो टाइप हमने पढ़ लिया, दो टाइप की जो सब टाइप्स है, जैसे कि सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग की फर्स्ट टाइप हमने यहाँ पे देख ली क्लासिफिकेशन, ठीक है, रिग्रेशन देख ली, सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग को पढ़ लिया है। अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग की चार टाइप हम लोगों ने देखी है, डायमेंशन रिडक्शन, क्लस्टरिंग, एनोमली डिटेक्शन और अभी हमने जो अभी फोर्थ टाइप देखा वो। अब हम लोग ना सेमी सुपरवाइज्ड और रीइंफोर्समेंट देखेंगे, रीइंफोर्समेंट देखेंगे और सेमी सुपरवाइज्ड देखेंगे, उसके बाद हमारी जो फोर टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग थर्ड टाइप देखते हैं यहाँ पर, थर्ड टाइप हमारा क्या है, ये है हमारा सेमी सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, ठीक है। चलिए हम लोग सेमी सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए सेमी सुपरवाइज, ठीक है, अब जब आप जब आपको समझ में आ गया ना सुपरवाइज और अनसुपरवाइज, तो सेमी सुपरवाइज आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है कि मेरे पास ना सेमी सुपरवाइज चीज आ गई, सॉरी माफ करिए, मेरे पास सुपरवाइज हो गया, ये हो गया मेरे पास क्या अनसुपरवाइज, क्या मैं इन दोनों को ऐड कर दूं और बोलूं यहां पर कि इस तरीके से मैं एक नया चीज बना देता हूं सेमी सुपरवाइज, ठीक है। इसीलिए इसको चार टाइप बोलते हैं, नहीं तो अधिकतर क्या होता है तीन टाइप ही बोल दिया जाता है, ठीक है, सुपरवाइज अनसुपरवाइज और तीसरा टाइप कौन सा बोल दिया जाता है, ये है हमारा फोर्थ नंबर का रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग कह दिया जाता है, इसको काउंट नहीं किया जाता है लेकिन ये भी होता है, ठीक है, इसलिए मैं चार टाइप आपको पढ़ा रहा हूं। ये क्यों होता है, क्योंकि ना पार्शली हम लोग ना ऐड कर देते हैं सुपरवाइज्ड को और अनसुपरवाइज्ड को, क्योंकि मैंने आपको बताया था दोनों की ना कुछ डिसएडवांटेज है, ठीक है, इस डिसएडवांटेज को इग्नोर करने के लिए हम लोग ये सेमी सुपरवाइज्ड को यूज करते हैं। क्या होता है इसके अंदर, वी वांट टू इग्नोर लेबलिंग बिकॉज इट्स वेरी कॉस्टली, आपको पता है लेबल कराना है मशीन लर्निंग को ट्रेन करना है तो बहुत सारी इमेजेस लगेगी, बहुत ज्यादा कॉस्ट बढ़ेगा क्योंकि टाइम लगेगा, और इसको क्या कराना है अनसुपरवाइज्ड को यहां पे लेबल नहीं देना है, अनलेबल डेटा देना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं कि इसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा यहां पर अनसुपरवाइज्ड को यूज, जिससे कि मेरी थोड़ी सी कॉस्ट भी बढ़ जाए। तो देखिए इस डायग्राम के थ्रू समझिए, मेरे पास सुपरवाइज्ड कोई डेटा है, ठीक है, है ना, ये मेरा ट्रेनिंग डेटा है, इसमें ऑल डेटा में लेबल्ड है मेरे पास, ये हो गया मेरा क्या मॉडल रेडी। कुछ है मेरे पास अनसुपरवाइज्ड, इसमें ऑल डेटा जो है अनलेबल्ड है, ठीक है, और ये जो है मेरा मॉडल हो गया रेडी। अब मैं क्या करूंगा, इसमें से लॉट्स ऑफ डेटा जो है अनलेबल ले लूंगा, कुछ डेटा इसमें से ले लूंगा, स्मॉल पोर्शन ऑफ डेटा जो लेबल्ड है, और एक मॉडल मैं यहां पे रेडी कर दूंगा जिससे कि मेरी थोड़ी सी कॉस्ट बच जाए, टाइम बच जाए और मॉडलिंग भी मेरी हो जाए यहां पे। इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारा गूगल फोटोज। कैसे होता है, आप अपनी गैलरी में रख देते हो क्या, गूगल फोटोज इसी पे बेस्ड है, ठीक है, आप तो आज तक पता नहीं होगा, आज पता चल जाएगा। हम लोग गैलरी में क्या करते हैं, एक फोटो खींचते हैं, ठीक है, हम लोग अधिकतर क्या करते हैं अपनी गैलरी में जाके अपने फादर की, मदर की, अपने पेट्स की फोटोज ले लेते हैं, ठीक है, अपने फ्रेंड्स की फोटो ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि हमारा गूगल फोटोज ये बोलता है कि भाई मुझे ये बताओ, लेबल करो कि ये फेस मैं बार बार डिटेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैं फेस को बार बार डिटेक्ट कर रहा हूँ, ये फेस डिटेक्ट कर रहा हूँ, ये एक पेट का है, ठीक है, इसको मैं डिटेक्ट कर रहा हूँ, ये मेरे फादर है, ठीक है, ये मेरी मदर है, ठीक है, एक और मैं डिटेक्ट कर रहा हूं यहाँ पे, ये मेरी सिस्टर है, ठीक है। अब क्या होगा, आपको बार बार ये फेस दिखाएगा, ठीक है, आपने एक बार लेबल दे दिया, इसको आपने लिख दिया पापा, ठीक है, फादर जो भी आप लिखते हैं, इसको आपने लिख दिया मॉम, ठीक है, इसको आपने लिख दिया सिस्टर या फिर बहन, जो भी आप बोले, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे एक लेबल दे दिए। पैट का मान लीजिए आपका, जैसे मेरा पैट है, ठीक है, उसका नाम मान लीजिए, मेरे पास उससे एक्चुअल में पैट है, उसका नाम गुरु है, ठीक है, तो मैंने गुरु रख दिया उसका नाम, या फिर मैंने पैट का नाम टॉमी रख दिया, जो भी मैंने रख दिया इस पैट का नाम, तो वो पूरा पूरा मेरा जो गूगल इमेज है ना, एक फोल्डर क्रिएट करने लग जाएगा। आपने देखा भी होगा, आपके मोबाइल के अंदर भी होगा ये, ठीक है। तो ये क्या होता है, लेबल्ड हो गया ये, है ना, ये पूरा की पूरा सेमी सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग इसकी कैटेगरी के अंदर जो है काम करता है, ठीक है। तो ये और कुछ नहीं है, बस सुपरवाइज और अनसुपरवाइज्ड को मिक्स कर देते हैं और एक मॉडल क्रिएट कर देते हैं, दैट्स व्हाई हम लोग सेमी सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग को भी आजकल यूज करने
करने लगे हैं। तो ये फोर्थ टाइप था आपका जिससे हम लोग दोनों चीज को यूज करते हैं, मतलब थर्ड टाइप था, और टोटल फोर्थ नंबर जो थर्ड नंबर वाला जो है जिसको हम लोग रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग कहते हैं, ये भी एक तरह का मशीन लर्निंग है, इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। टोटल चार टाइप होते हैं, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, सेमी सुपरवाइज्ड और रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग, जिसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, बहुत आसान है ना। Reinforcement learning is a machine learning training method based on rewarding desired behavior and एक मिनट है ना यहाँ पे and punishing undesired one। वापस से इसको पढ़ते हैं एक बार, जस्ट ए मिनट। रीइन्फोर्समेंट लर्निंग इज ए मशीन लर्निंग ट्रेनिंग मेथड बेस्ड ऑन रिवार्डिंग डिजायर बिहेवियर। ध्यान दीजिए मैं इस पे बोल रहा हूँ, रिवॉर्ड देता है कहाँ पे, डिजायर बिहेवियर पे, और यहां पर पनिश करता है अनडिजायर वन पे। क्या होता है, एक मशीन लर्निंग मॉडल है जिसपे ना रीइन्फोर्समेंट करता हूं मैं, वाप उसको फोर्स किया जाता है मशीन लर्निंग को सीखने के लिए। कैसे इसको सिखाया जाता है, यदि कोई अच्छा काम करता है ठीक है तो उसको रिवॉर्ड दे दिया जाता है, और यदि कोई गलत काम करता है तो उसको पनिश किया जाता है। ठीक है, ये एक टाइप ऑफ मशीन लर्निंग है, इसको रीइन्फोर्समेंट मशीन लर्निंग कहते हैं। बहुत ही हॉट टॉपिक है आज की डेट में और आगे भी हॉट होने वाला है। क्यों क्यों अभी अब बताने वाला हूं मैं आपको, क्योंकि सेल्फ ड्राइविंग कार इसी पे बेस्ड है। ठीक है, इन जनरल ए रीइन्फोर्समेंट लर्निंग एजेंट इज एंटिटी बीइंग ट्रेन्ड इज एबल टू प्रिडिक्टिव एंड इंटरप्रेटेड ऑफ एनवायरनमेंट दैट टेक एक्शन ऑफ द लर्न थ्रू द ट्रायल एंड एरर। क्या होता है कि ना एक मशीन लर्निंग है, ठीक है, इस मशीन लर्निंग के अंदर ना एक एजेंट बना दिया जाता है, जो एजेंट को ना सिखाया जाता है कि यदि आप इस चीज को करोगे ना तो ये सही है, यदि आप इस चीज को करोगे तो गलत है, और यदि गलत करोगे तो मैं इस एजेंट को बोलता हूं कि मैं आपको पनिश करूंगा, इस एजेंट को बोलता हूं कि मैं आपको ना रिवॉर्ड दूंगा। ठीक है, ये इस तरीके से काम करता है क्या, रीइन्फोर्समेंट मशीन लर्निंग। इसीलिए हम लोग तीन टाइप पे काम करते हैं, एक पहले यदि तीन टाइप की बात करूं तो एक सुपरवाइज, जिसको सुपरवाइज करना पड़ता है, भाई इनपुट भी दूंगा आउटपुट भी दूंगा लेबल डेटा भी दूंगा सिखाऊंगा भी। दूसरा मैं बोलता हूं कि भाई नहीं अनसुपरवाइज, मैं आपको सुपरवाइज नहीं करूंगा, खुद ही सीखना होगा। और एक तीसरा ये होता है रीइन्फोर्समेंट मशीन लर्निंग कि मैं आपको फोर्स करूंगा, करोगे सही, मशीन को हम लोग सिखा रहे हैं, करोगे सही तो मैं रिवॉर्ड दूंगा, गलत करोगे तो मैं आपको यहां पे पनिश करूंगा। इस तरीके से मशीन को हम लोगों को सिखाना सीखना है आगे आने वाले बचे हुए 29 दिनों के अंदर। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ऐसी रियल टाइम से पढ़ोगे सब कुछ समझ में आएगा। तो ये हो गया हमारा क्या, रीइन्फोर्समेंट मशीन लर्निंग। अब देखो एक एग्जांपल के थ्रू समझो, ये एजेंट हो गया मान लो डॉग, ठीक है, ये मैं एक एनवायरमेंट क्रिएट कर दिया इस डॉग के लिए कि मैं एक जो स्टिक है इसको भेज रहा हूं, यदि वो उसको लेके आ रहा है, यदि एक्शन कर रहा है वो, तो उसको मैं रिवॉर्ड में एक तो क्या दे रहा हूं, एक यहां पे मैं उसको जो है कुकीज दे दे रहा हूं। ठीक है, इस डॉग को मैं फूड दे दे रहा हूं या कुछ कुकीज दे दे रहा हूं, तो ये ऑब्जर्व कर रहा है। डॉग क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, कि मुझे रिवॉर्ड मिल रहा है यदि मैं इसको लेके आ रहा हूं, तो उसको एक्चुअल में चाहिए क्या, कुकीज चाहिए। ठीक है, वैसे बच्चे होते हैं, वैसे हम लोगों ने भी सीखा है, ठीक है, कि हम लोग कुछ गलत करते थे, हम लोगों को पनिशमेंट मिलती थी फैमिली से, मदर से, हमारे टीचर से, वही चीज यहाँ पे हम लोग मशीन को लर्न करा रहे हैं। तो अभी मशीन लर्निंग बहुत छोटा है, ह्यूमंस बहुत बड़े हैं, तो ये क्वेश्चन जो आप लोग के दिमाग में आते हैं ना, ये भी आप लोग खुलते जाएंगे पढ़ते पढ़ते, कि क्या मशीन लर्निंग आने के बाद ह्यूमंस के जॉब चले जाएंगे। नहीं यार, पैट्स को हमने सिखा दिया तो पैट्स हमारे साथ ही रहते हैं, ठीक है, मशीन भी हमारे साथ ही रहेगी ना, लेकिन ये जरूरी है कि आपको स्किल होते रहना पड़ेगा। जो आप अभी अच्छी ये है कि मेरा वीडियो देखते देखते, इस लेक्चर को अटेंड करते करते अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए। इसलिए ये पूरी 30 डेज की मशीन लर्निंग आपकी होने वाली है ना, ये उनके लिए भी फायदेमंद है जो बिगनर है, और उनके लिए भी फायदेमंद है जिनको पहले से कुछ कुछ चीजें आती है, क्योंकि मैं यहां पर पूरा बेसिक से बेसिक चीजों को डिस्कस करते हुए चलूंगा, इसी रियल टाइम के एग्जांपल को डिस्कस करते हुए चलूंगा। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए यदि आप लोग को ये चीजें समझ में आती है या आ रही है, पसंद में आ रही है, तो भी मुझे बताते जाइए। अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूँ, सेल्फ ड्राइविंग कार, जैसे कि अभी टेस्ला की सेल्फ ड्राइविंग कार है, हम लोग इंडस्ट्रीज हेल्पिंग एंड जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में भी काम करता है, जो कि आगे चल के फ्यूचर होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेल्फ ड्राइविंग जो कार्स है उसको भी इसी तरीके से सिखाया जाता है। ठीक है, और कुछ नई चीज नहीं है, जैसे आपसे कोई एग्जाम्पल पूछ ले इंटरव्यू के अंदर आपके डेप्थ नॉलेज को चेक करने के लिए, रीइन्फोर्समेंट मशीन लर्निंग का एक एग्जाम्पल बता दो, तो आप बोलो सेल्फ ड्राइविंग कार। क्यों, क्योंकि सेल्फ ड्राइविंग कार को बताया जाता है कि यदि सामने की वाली जो कार है, ठीक है, इससे आप इतना डिस्टेंस मेंटेन करोगे, ठीक है, तो आपको यहां पे रिवॉर्ड मिलेगा, यदि आप पास चले जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, यहां पे
पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से इसका मॉडल तैयार किया जाता है, तो हमेशा वो इसी चीज को लर्न करते हुए चलती है अपने उसके मॉडल के थ्रू, ठीक है। जैसे यहाँ पर एजेंट कौन था हमारा, डॉग था, वैसे सेल्फ ड्राइविंग कार में हम लोग एक एजेंट के थ्रू यहाँ पर रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग मॉडल बनाएंगे। वैसे इसका एक एग्जाम्पल है गो गेम, बहुत अच्छा गेम है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको लेक्चर स्टार्ट करा था तभी भी इसका एग्जाम्पल दिया था। डीप माइंड एक गूगल की कंपनी है, ये जो है इसकी डॉक्यूमेंट्री भी है। आप जाएंगे ना गूगल की डीप लर्निंग वाली वेबसाइट पे या फिर आप YouTube में सर्च करेंगे तो इस पे पूरे एक घंटे की डॉक्यूमेंट्री है, ये भी आप जाके देख सकते हो कि किस तरीके से गूगल ने डीप माइंड के जो अल्फा गो गेम जो बनाया है गो गेम के लिए, जिसने वो ह्यूमन को जो मशीन लर्निंग जो है उसने ह्यूमन को जो है वहां पे जाके हराई है। और हर साल ये कॉन्टेस्ट होता है जिसमें साल भर में जितने भी मशीन लर्निंग इंजीनियर्स हैं जो एक्चुअल में वर्क करते हैं, और इसकी प्राइज मनी भी काफी ज्यादा होती है, ये कैसे काम करता है, और ये पूरा जो हुआ था ना आपका कॉन्टेस्ट जो हुआ था उसकी पूरी एक डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है, बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री है। आप लोग जाके सर्च करेंगे गूगल की डीप माइंड कंपनी की डॉक्यूमेंट्री, आपको मिल जाएगी गो गेम के बारे में। अल्फा गो जो है गूगल एक मशीन लर्निंग मॉडल पे काम भी कर रहा है, ये इसलिए काम कर रहा है क्योंकि ये इस मॉडल को अप्लाई करेगा गूगल की आने वाली सेल्फ ड्राइविंग कार में, और टेस्ला तो ऑलरेडी इस मशीन लर्निंग मॉडल को यूज कर भी रहा है, ठीक है। तो आप इस तरीके से रियल टाइम एग्जाम्पल के थ्रू यहां पर आज जो समझ गए, आज की हमारी क्लास में आप लोग जो समझ गए वो यही चीज आपने समझ गए। अच्छा, एक और मैंने यहाँ पर ना एक इमेज डाली हुई है, देखिए कैसे पनिश किया जाएगा। ये जो डॉग है ना एजेंट है, ठीक है, यदि वाटर के पास जाता है तो यहाँ पे क्या है, इसको यहाँ पर एजेंट को जो है यहाँ पर पॉइंट मिलेगा, ठीक है। यदि ये माइनस पे जाता है एक्शन, मतलब कि मान लीजिए आप अपने पेट को चाहते हो कि वो आग के पास ना जाए, तो यहाँ पर उसको जो है कुकीज नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इस टाइप से एजेंट क्या होगा, डॉग जो है समझ जाएगा। यही चीज मैंने यहाँ पे समझाने के लिए ये जो है इमेज यहाँ पे डाल दी थी, जो आई होप आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे। तो आई होप आप लोग ने जितने भी यहाँ पर आज के हमारे टॉपिक्स थे उसको अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। जो आज हमारा गोल था मेन डे नंबर वन के अंदर, वो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ लिया है। मैं एक बार कंक्लूड कर देता हूं। तो यहाँ पर डे नंबर वन के टॉपिक को कंक्लूड करने से पहले एक और मैं यहाँ पे चीज बता दूं कि मैंने जो नोट्स आप लोगों को ये पीडीएफ जो है ये मैं इस लेक्चर के साथ साथ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। डे वाइज हम लोग को आप लोगों को यहाँ पे पीडीएफ में नोट्स भी मिलेंगे। आगे चलकर हम लोग यदि कोई पाइथन में प्रोग्रामिंग भी करेंगे, ऑब्वियस सी बात है करेंगे, जुपिटर नोटबुक के जो नोट्स शीट वगैरह जो होगी, डेटा सेट होगा, ये सब आप लोग को कहाँ पे मिलेगा ये मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। आप लोगों को इस लेक्चर को यदि आप यूट्यूब में देख रहे हैं, जो लाइव देख रहे हैं, या फिर लाइव हो जाने के बाद आप लोग बाद में देखेंगे इसको, तो आप लोगों को हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। आप लोगों को करना क्या है, हमारा जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे चले जाना है। हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन को आप लोग को इंस्टॉल कर लेना है। सबसे पहले एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आपको जाना है एप्लीकेशन को साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद आप लोगों को ना डेटा साइंस का जो फ्री कोर्स है, ठीक है, डेटा साइंस का जो फ्री कोर्स है उसको आपको क्लिक करना है। जब आपकी प्लेलिस्ट ओपन होगी, ठीक है, तो वहां पर आपको एनरोलमेंट करना होगा, उस फ्री कोर्स में आपको एनरोलमेंट करना होगा, ठीक है। जब आपका एनरोलमेंट हो जाएगा तो वहां पर आपको डे नंबर वन के साथ आपको उसका नोट्स मिलेगा, उसका डेटा सेट मिलेगा। आपको ऐप इंस्टॉल करते ही नोट्स पे नहीं जाना है डायरेक्ट, ठीक है। आपको क्या करना है, डेटा साइंस का जो फ्री कोर्स हमारे तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है उसमें आपको क्लिक करना है, और उसमें आपको जो है नोट्स मिल जाएगा, और नोट्स के साथ साथ आप इस डेटा सेट को पढ़ते जाएंगे हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन के साथ साथ। और ये जो है यूट्यूब में आप लोगों के लिए नोट्स प्रोवाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज हर चीज को हमारी टीम जो है अपडेट करते रहती है नोट्स को समय समय पे आने पे। वो जो प्लेलिस्ट है हमारी ये 30 डेज की हो सकता है 40 डेज हो जाए, हो सकता है 50 डेज हो जाए, और भी इसको हम लोग बढ़ा सकते हैं। दैट्स वाई ये सब चीज हम लोग पॉसिबल तभी कर पाएंगे, डेटा को हमेशा अपडेट तभी कर पाएंगे जब हम लोग जो है अपने एंड्रॉइड एप्लीकेशन में अपनी प्लेलिस्ट को पूरी तरीके से फॉलो करें। तो आप यदि ये वीडियो को यूट्यूब में देख रहे हैं तो आप इस क्लास के बाद हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। एंड्रॉइड एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद डेटा साइंस के फ्री कोर्स में चले जाइए, फ्री कोर्स में आप जाके एनरोल कर लीजिए। एनरोल करने के साथ साथ आपको सारी की सारी प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग सारे नोट्स, डेटा सेट, सब कुछ आपको वहां पर मिल जाएगा। तो हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जो कि हमारी डे नंबर टू की क्लास।
हम लोगों ने आज क्या क्या चीज पढ़ लिया है, हम लोगों ने मशीन लर्निंग क्या होती है, मशीन लर्निंग की हिस्ट्री क्या है, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एआई में डिफरेंस क्या होता है ये भी देख लिया, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, ये सब चीजों को हम लोगों ने बेसिक चीजों को डिस्कस कर लिया, अपने फाउंडेशन को, फंडामेंटल्स को क्लियर कर लिया, और टाइप ऑफ मशीन लर्निंग, कितने टाइप की मशीन लर्निंग होती है, इसको भी हम लोगों ने काफी डिटेल में यहाँ पर समझ लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में चलेंगे जो इसी से रिलेटेड होगी, हमारी डे नंबर 2 की क्लास। सो आई होप आप लोग को मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। जो लोग लाइव देख रहे हैं मुझे बताओ एक बार, डाउट कोई है तो हम लोग डाउट क्लियर कर लेंगे, अदरवाइज हम लोग जो है डे नंबर 2 पे मिलेंगे, जो हमारी मशीन लर्निंग की सेकंड क्लास होगी। ठीक है, मैं अभी कमेंट बॉक्स देख रहा हूं, मुझे डाउट कोई भी है तो बताओ। अच्छा, एक डाउट यहां पे आया है कि आपको पहले पाइथन पढ़ना है या ये पढ़ना है, तो देखो इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड्स का जो यूट्यूब चैनल है उसमें आपको जो है जो पाइथन है 30 डेज का पाइथन है वो ऑलरेडी मिला हुआ है, आपने वो पाइथन को पढ़ लिया है तो तब आप मशीन लर्निंग को चालू करें। ठीक है, क्योंकि अब मशीन लर्निंग में पाइथन प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ती है, तो पहले आपको 30 डेज ऑफ पाइथन पढ़ना है, देन उसके बाद 30 डेज ऑफ मशीन लर्निंग में आना है। ये एक अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? टैबलू और पावर बीआई में डिफरेंस, ठीक है, ये भी हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे। दोनों ही बीआई टूल है, टैबलू और पावर बीआई, इन दोनों को हम लोग यूज करते हैं बिजनेस इंटेलिजेंस के लिए, इसमें बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, ये बेसिक सा डिफरेंस होता है डेटा एनालिसिस के लिए और डेटा साइंस के लिए, दोनों के लिए ये यूज होता है। ठीक है, एक टूल है, नहीं ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। और कोई डाउट? हाँ, पहले डेटा एनालिस्ट पढ़ा, मतलब बना जाता है, मतलब उसकी स्किल सीखी जाती है, फिर डेटा साइंस सीखी जाती है, मतलब एक डेटा साइंस इंजीनियर को डेटा एनालिस्ट की पूरी स्किल सेट आती है, एक डेटा एनालिस्ट को डेटा साइंस की पूरी स्किल सेट नहीं आती है, ऐसा नहीं होता है ना। पहले आपको डेटा एनालिस्ट की जो स्किल सेट है ये बिल्कुल ऐसा है कि पहले आपने ग्रेजुएशन किया, मतलब उसके बाद ही आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं आप, तो पहले आप ग्रेजुएशन करने के लिए क्या करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए क्या करते हैं, आप ग्रेजुएट होते हैं पहले। वैसे ही आपको यदि डेटा साइंस इंजीनियर बनना है तो आप पहले डेटा एनालिस्ट की स्किल सेट सीख लें, फिर आप डेटा साइंस पे जाएं, बिकॉज आपको तभी फंडामेंटल्स क्लियर होंगे, है ना, ये अप्रोच होती है हमारी। हाँ, एक साथ भी पढ़ सकते हैं, डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंस दोनों एक साथ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उसकी प्लेलिस्ट जो है ऐसी होनी चाहिए, जैसे भी आपको 30 डेज पाइथन पहले पढ़ लेना है, फिर मशीन लर्निंग चालू करना है। ठीक है, ओके, ठीक है, आई होप आप लोग के सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। हम लोग आगे चल के और भी जो डाउट्स है उसको यहाँ पे देखेंगे, क्लियर करेंगे। हमारी डे नंबर 2 की क्लास में हम लोग मशीन लर्निंग के और नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, जो आज के हमारे टॉपिक से रिलेटेड ही होंगे, आगे डे नंबर 2 के टॉपिक। तो हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बने रहिए इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड्स के साथ, मोटिवेट रहिए, और मशीन लर्निंग को बहुत ज्यादा हेडेक के साथ मत समझिए, बहुत इजी चीज है, सब चीज समझ में आ जाएगी, 30 डेज आप अपने पूरे के पूरे इन्वेस्ट कर दीजिए। ठीक है, हम लोग मिलते हैं हमारे डे नंबर 2 पे।